Okay, so I'm welcoming you all in the session of export opportunities in Mozambique. It is the country of East Africa. Okay, so we are ready to go. I'm welcoming you all in the beautiful world of export and import. And this is our mission, Bharat Ulal mission, जिसके थ्रू हम ये एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की जो इन्फॉर्मेशन है वो लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. Let me start with my introduction first. This is Amit Mulani. Professionally, I am an engineer, but आप कह सकते हैं कि फुल टाइम एक्सपोर्टर एंड ट्रेनर, इंटरनेशनल ट्रेडिंग ट्रेनर. सो आई हैव अ कंपनी कॉल्ड एटलांटिको इंटरनेशनल थ्रू विच वी आर डूइंग द एक्सपोर्ट सिंस लास्ट 7 ईयर. एंड उसके अलावा हम एक मिशन भी चला रहे हैं जिसका नाम है भारत उड़ान मिशन, जिनके थ्रू हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की रिगार्डिंग जो सेशन है वो लेते हैं. सो अलग अलग टॉपिक और अलग अलग चीजों पे जो भी नॉलेज है उसको डिसमिनेट करने की ट्राई करते हैं, जिससे कि ज्यादा लोग एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की फील्ड में आगे आ सके और बेहतरीन तरीके से आगे बिजनेस कर पाए. सो दिस इज व्हाट माय जनरल प्रोफाइल टिल द डेट. आई हैव टेकन लॉट्स ऑफ सेमिनार्स रिगार्डिंग द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इन द डिफरेंट स्कूल्स, कॉलेजेस एंड सम काइंड ऑफ द एमएसएमई सेक्टर्स, इंस्टीट्यूशंस एंड एटसेट्रा. ओके, सो let me start with the very basics that today we have taken the subject called export opportunities in Mozambique, specifically export opportunities. Why? Because kahin na kahin hame ye lagta hai ki after this pandemic China ki jo bhi authenticity hai wo kam hui hai aur uski jagah pe aaj Indian jo supplier hai uske upar trust jo hai dheere dheere badh raha hai. To ye perfect time hai export ke business ke andar aage badhne ke liye. Aur definitely जैसे जैसे हम आगे की स्लाइड देखते जाएंगे यू विल डेफिनेटली फाइंड इट आउट दैट कि किस तरह से अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए ओपन है. या तो मैंने स्पेसिफिकली आज के दिन में मोजाम्बिक क्यों चूज किया है इसके बारे में जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा. लेकिन राइट नाउ सबसे पहले ये टॉपिक जो है वो स्पेसिफिकली एक कंट्री के लिए क्यों लिया गया है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताता हूँ. टिल द डेट आई हैव मेट मोर देन 5000 पीपल्स कि जिसके साथ मेरी एक्सपोर्ट या तो इम्पोर्ट के रिगार्डिंग कुछ बातचीत हुई हो. और जिसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन जो मुझे लोगों का जो डायलेमा लगा वो ये था कि किसी भी प्रोडक्ट को चूज करना है या तो मार्केट को चूज करना है तो किस तरह से कर सकते हैं और किस तरह से इसमें आगे बढ़ सकते हैं. तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा बड़ा जो प्रॉब्लम है वो यही है कि प्रोडक्ट को या तो मार्केट को चूज करके कैसे आगे बढ़े. जिसके लिए मैं एक स्टेटमेंट ये देना चाहूंगा कि मुझे बिल्कुल ये नहीं लगता है कि अगर आप किसी कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या तो किसी प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नंबर ऑफ कंट्रीज को चूज करने की जरूरत है. मुझे हमेशा ये लगता है कि हर कोई प्रोडक्ट के अंदर इतना पोटेंशियल होता है कि आप अगर एक क्लस्टर के 4 से 5 भी कंट्री सिलेक्ट करते हो तो आपका जो भी डिजायर एक्सपोर्ट होना चाहिए वो आपको आराम से उसके अंदर मिलेगा. कहीं ना कहीं उस तरह से ही अगर आप किसी एक कंट्री को सिलेक्ट करते हो और उसका पूरा स्टडी करके उसके अंदर डेप्थ में उतरते हो तो मुझे लगता है वो एक कंट्री भी आपको बहुत सारा पोटेंशियल एक्सपोर्ट के अंदर दे सकता है. क्योंकि अगर आपने उस कंट्री का स्पेसिफिक स्टडी किया हुआ है तो डेफिनेटली यू विल गेट लॉट्स ऑफ आइडिया अबाउट देयर ट्रेडिंग रिक्वायरमेंट एंड जो भी हमारा बिलेटरल ट्रेड उनके साथ हो रहा है, बायलेटरल ट्रेड, इसके बारे में आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी. तो मैंने यहाँ पे एक ट्राई किया है कि मोजाम्बिक जो कंट्री है इनका बायलेटरल ट्रेड इंडिया के साथ बहुत अच्छा है तो किस तरह से अगर स्टडी की जाए किसी कंट्री की तो डेफिनेटली हम उसके अंदर से बहुत सारा आउटपुट निकाल सकते हैं बेस्ड ऑन एक्सपोर्ट. जो इंडिया से हम प्रोडक्ट जो है उसको एक्सपोर्ट करके उस कंट्री के अंदर पहुंचा सकते हैं और उसके थ्रू बहुत सारा अर्निंग भी कर सकते हैं और बहुत सारी ऐसी भी प्रोडक्ट्स है जो वहां से इम्पोर्ट करके इंडिया में ला सकते हैं और यहाँ पर भी उसका मार्केट बना सकते हैं और उसके बिहाफ पे बिजनेस कर सकते हैं. पहली बात तो ये कि मुझे लगा कि कोई स्पेसिफिक स्टडी कैसे होती है इसके बारे में थोड़ा मैं आपसे शेयरिंग करूं. जो हमारी मेथोडोलॉजी जो हम यूज करते हैं तो आपको पता चले कि किस तरह से कोई एक कंट्री के बारे में हम डिटेल में जो पैरामीटर्स है उसको चेक कर सकते हैं. एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि दुनिया के जितने भी कंट्री के साथ हम एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं, देर आर 239 कंट्रीज इन द वर्ल्ड जिसमें से तकरीबन 180 से ज्यादा कंट्री के साथ हमारा बिजनेस हो रहा है. लेकिन अगर टॉप मोस्ट एक्सपोर्टर कंट्रीज अगर हम देखें तो ऐसे कंट्रीज टोटल 67 है जिसके अंदर हमारा 80% एक्सपोर्ट होता है. 80% जैसे कि हमारा आज का अगर एक्सपोर्ट का फिगर हम देखें तो आज का एक्सपोर्ट फिगर इंडिया का है 23 लाख करोड़ ईयरली, जिसमें से 80% बिजनेस 67 कंट्री में होता है जबकि
बाकी का 20% बिजनेस 170 कंट्री में होता है। शायद मेरे ख्याल से मोजाम्बिक उसमें भी एक होगा या तो क्या ये कंट्रीज जो है वो अपॉर्चुनिटी वाले नहीं है, क्या इसके अंदर कुछ अपॉर्चुनिटीज हम फाइंड नहीं कर सकते? डेफिनेटली अब ग्रोइंग कंट्रीज है जिनका जीडीपी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, ये लेट आजाद हुए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंट्री जो है वो बिल्कुल हमारे लिए काम के नहीं है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जिस कंट्री का डेवलपमेंट नहीं हुआ है वहां पर हम क्या काम कर पाएंगे, लेकिन यही वो कंट्री है जिनके अंदर काम करके ना आप अपना एक स्टेबल बेस तैयार कर पाएंगे और आज से 10 या 12 सालों के बाद वहां पर आप कोई एक इंडस्ट्री में टाइकून भी हो सकते हैं। सो दिस इज व्हाट द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि जब कोई एक कंट्री को आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसके बेसिक पैरामीटर को चेक करके आप किस तरह से अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट कर पाएंगे। चलिए बाद में एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन मेरा ये है कि कुछ लोग अपना रेज हैंड जो है रेज कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन आंसर का सेशन हमने लास्ट में रखा है तो लास्ट 10 मिनट के लिए हम क्वेश्चन आंसर लेंगे। टिल द टाइम मैं आपको जो भी बताना चाहता हूँ उसके बारे में बातचीत करेंगे, तो आपके क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन जो भी है वो आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, वी विल शॉर्टली गोइंग टू टॉक अबाउट दिस। या ओके चलिए, सो लेट मी स्टार्ट विद द वेरी बेसिक दैट फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि ये आज के जो डेढ़ घंटे के दौरान हम जो बात करने वाले हैं उसका इंडेक्सिंग क्या रहेगा, तो हम कौन से टॉपिक के थ्रू जाने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला है व्हाई अफ्रीकन कंट्री को क्यों चूज किया है, सेकंड बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द मोजाम्बिक, देन मेन पोर्ट्स इन द मोजाम्बिक, इंडियाज एक्सपोर्ट टू द मोजाम्बिक, फोकस सेक्टर कौन से है, चाइनाज एक्सपोर्ट एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया, देन इंडियाज इंपोर्ट फ्रॉम द मोजाम्बिक, हेल्पफुल बॉडीज फॉर द बायलेटरल ट्रेड इन बिटवीन इंडिया एंड मोजाम्बिक, कॉम्प्लायंसेस की क्या रिक्वायरमेंट है ये कंट्री के अंदर स्पेसिफिकली मोजाम्बिक में, ट्रेड एग्रीमेंट्स कौन से है हमारे, रिसर्च पेपर जो कुछ रिसर्च पेपर मुझे रिगार्डिंग मोजाम्बिक मिले हैं जो मुझे लगा कि ये स्टडी करने से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है तो मैंने इसको यहाँ पे रखा है, और लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर के थ्रू आगे बढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाई अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये कॉन्टिनेंट जो है वो क्यों पोटेंशियल वाला है ऐसा मैं मानता हूं, जिसके पहले हम उसके कुछ पैरामीटर देख लेते हैं। सबसे पहला तो है शॉर्ट ट्रांसपोर्टेशन रूट देन चाइना। देखिए दुनिया के अंदर जो सबसे ज्यादा आज एक्सपोर्ट कर रहा है वो कंट्री है चाइना, जिनका 152 लाख करोड़ का सालाना एक्सपोर्ट है, जबकि हमारा 23 लाख करोड़ का सालाना एक्सपोर्ट है। सो हमसे तकरीबन 7 गुना एक्सपोर्ट ये कंट्री करता है, तो आप सब जानते हैं कि दुनिया का कोई भी कंट्री ऐसा नहीं होगा जहां पे चाइना ना हो या तो चाइना एक्सपोर्ट ना करता हो। आप अगर मैप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर चाइना को मोजाम्बिक पहुंचना है या तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पहुंचना है तो हमको क्रॉस करके हिंद महासागर से जाना पड़ेगा, यस, जबकि अगर हमको वहां पे टच करना है तो हमारे जितने भी वेस्टर्न पार्ट के जितने भी पोर्ट है वहां से डायरेक्ट शिपिंग लाइन जो है वो उसका रूट मिलता है और ये एक्सेस बहुत इजी होता है। तो ऐसा क्यों जब हम नजदीक है तो हम इतना पोटेंशियल नहीं देख पा रहे जितना पोटेंशियल आज चाइना दिख रहा है? हाँ, एक बात ये हो सकती है कि उनका प्रोडक्शन कैपेसिटी ज्यादा है या तो उनका बेसिक स्टडी बहुत अच्छा है, जिन लोगों ने पर्टिकुलरली कंट्री के लिए बहुत अच्छा स्टडी करके उन लोगों की क्या रिक्वायरमेंट है उनको वहां तक पहुंचाया है, तो यही चीजें हम भी कर सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर ये चीजों को हम करना चाहे तो उसके लिए सबसे जरूरी क्या है कि जो भी चीजें हैं उनको बराबर समझा जाए, उसकी रिगार्डिंग स्टडी को अगर परफेक्टली किया जाए तो मुझे लगता है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ओपन हो सकती है, एंड इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू हम आगे के टाइम में बहुत अच्छे से इंडियन प्रोडक्ट को वहां पे सेट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। सेकेंडली वन ऑफ द हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ इन द वर्ल्ड, अगर हम देखें कि लास्ट 10 ईयर में वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा अगर जीडीपी कोई कंट्रीज की एक साथ बढ़ी हो तो वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। आप सब जानते हैं कि आज के दिन में शायद आपको अफ्रीका विजिट करना हो तो मेरे ख्याल से वीजा की जरूरत नहीं है कुछ कंट्री को छोड़ के, लेकिन याद रखिए आज से 10 साल बाद ये टाइम आएगा कि आपको अफ्रीका विजिट करना है एज एन इंडियन तो आपको वीजा लेना पड़ेगा। धीरे धीरे इन लोगों की इकोनॉमी स्ट्रांग होती जा रही है बिकॉज एब्यूटेंट रिसोर्सेज दे हैव, तो दिस इज व्हाट द अपॉर्चुनिटी वी हैव कि ये दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी में से एक है जिनकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट है बेसिक जिनको हम पूरा कर सकते हैं। थर्ड वन इज द एब्यूटेंट रिसोर्सेज अनटैप्ड। आप सब जानते हैं अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर जो लैंड है वो अनकल्टिवेटेड, हजारों एक्टर जमीन अनकल्टिवेटेड है, इनके अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज भरे हैं। चाइना ने पिछले बहुत सालों तक इनका डिगिंग किया बट राइट नाउ बहुत सारे कंट्री ये समझ रहे हैं कि ये सारा हमारा रिसोर्सेस है जिनको डिग करने नहीं देना चाहिए और उसका बेनिफिट हमें लेना चाहिए, जिसके बेस पे आज इंडिया की बहुत कंपनियां अलग अलग कंट्रीज के अंदर
अपना बेसिक सेटअप करके वहां पे डिगिंग करके बहुत सारा रॉ मटेरियल जो है वो वर्ल्ड वाइड वहां से सप्लीमेंट कर रहे हैं. तो एब्यूडेंट रिसोर्स इज अवेलेबल विद द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट एंड सो शायद ये मेरे ख्याल से सबसे अपॉर्चुनिटी वाले कंट्रीज में से एक है इन फ्यूचर. हाईएस्ट ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन, दिस इज व्हाट द की पॉइंट ऑफ इट. आप देखिए राइट नाउ द पॉपुलेशन इज अराउंड 150 करोड़, बट एक अंदाज के हिसाब से 2030 तक ये पॉपुलेशन तकरीबन 200 से सवा 200 करोड़ तक पहुंचेगी. तो सिंपल सी बात है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी अल्टीमेटली उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी. सो रिसोर्सेज जो है उनको तैयार करने होंगे और उसके लिए बेसिक रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड तक सब रिक्वायरमेंट उनकी बढ़ने वाली है. सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल ग्रोथ अमंग द वर्ल्ड, अगर कंट्री के और अगर दुनिया के और कंट्रीज के बारे में अगर सोच के इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करें तो धीरे 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 अफ्रीकन कंट्री इंडस्ट्रियल ग्रोथ में आगे आ रहे हैं. आज के दिन में बहुत नई फैक्ट्रियां भी सेटअप हो रही है और जिसके थ्रू वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो सस्टेनेबल तैयार कर रहे हैं उनका बेस. तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है कि अगले 10 या 15 सालों में जब ये डेवलपिंग कंट्री की तरफ आगे बढ़ेंगे तो उस वे पर जाने के लिए उनको डेवलपिंग जो अभी है जैसे कि हम वियतनाम चाइना वगैरह कंट्रीज, तो ये सब कंट्री से कुछ ना कुछ रिसोर्सेस उनको लेने पड़ेंगे जिसके थ्रू ये डेवलपिंग हो पाएंगे आगे. अंडर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज, ये कंट्रीज अभी अंडर डेवलपमेंट कैटेगरी में आते हैं तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इसके बेस पे भी ओपन है कि जिसकी बदौलत हम सारी बहुत सारी चीजें उनको पहुंचा सकते हैं आगे जाके. ट्रस्ट ऑन इंडिया इंटीग्रिटी, लास्ट कुछ सालों के अंदर बहुत सारे इंडियंस जो है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के कुछ कंट्रीज के अंदर उनकी गवर्नमेंट बॉडीज के अंदर कहीं ना कहीं कुछ स्थान पे अवेलेबल है. लाइक उन लोगों ने ऐसी जगह पे अपना वी कैन से पोस्चर बनाया है कि जहां से वो पूरे जो कंट्री की जो सिस्टम उसको ऑपरेट कर सकते हैं. तो बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स आज इंडियन है अफ्रीका में, जो कोई एग्रीकल्चरल मिनिस्टर है तो कोई फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे है, कोई वी कैन से इंडस्ट्रियल ग्रोथ के तौर मिनिस्टर के तौर पे है. तो ये सारे हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज है कि इंडिया की जो इंटेग्रिटी है ये धीरे धीरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बढ़ रही है और जिसका बेनिफिट हम फ्यूचर में ये ले पाएंगे कि जब आगे जाके ट्रेड एग्रीमेंट्स वगैरह सब और लेवल पे होगा तो डेफिनेटली यही लोग हमको सपोर्ट करने के लिए आगे आएंगे और इस लेवल पे इंडिया का जो बायलेटरल ट्रेड है वो बढ़ेगा. इंडियाज बायलेटरल रिलेशन विद द अफ्रीकन कंट्रीज आर वेरी गुड. आज 54 अफ्रीकन कंट्री में से तकरीबन 20 से 22 कंट्री के साथ हमारे इतने अच्छे बायलेटरल ट्रेड है कि हमारे इनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सालों से है जिसमें कभी ब्रीचेस नहीं आया है. तो दिस इज शोइंग दैट के धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और अफ्रीकन कंट्रीज के साथ हमारा जो रिलेशन है उसको मजबूत बनाते जा रहे हैं. अब हम बात करते हैं ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर जो 20 कंट्रीज आते हैं उसमें से मोजाम्बिक जो है वो हमारे लिए की कंट्री क्यों है या तो ये अपॉर्चुनिटी वाला कंट्री क्यों है. चलिए उनके बारे में थोड़ा बातचीत कर ले कि बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मोजाम्बिक की है उसको देखते चलते आपको समझ में आएगा कि why we have selected the Mozambique particularly. First of all, ये country independent हुआ 1975 में, उसके बाद civil war की बदौलत उनका जो development है वो बहुत stagnant चला और तकरीबन 1998 के बाद इनका real development चालू हुआ. Common language उनकी Portuguese है क्योंकि सालों पहले Portuguese जो थे उन्होंने इसके ऊपर कब्जा लिया था, उसके बाद जब वो चले गए उसके बाद ये आजाद हुए और धीरे 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 करके सेटल हो रहे थे. After 2012 जितने भी पोर्टुगीज थे उन्होंने फाइंड आउट किया कि आज के दिन में मोजाम्बिक का ग्रोथ बहुत अच्छा हो रहा है, तो बहुत सारे पोर्टुगीजों ने वापिस मोजाम्बिक में आके अपना घर बसाना चालू किया. तो आज के दिन भी जो पोर्टुगीज वारसा छोड़ के गए थे वो कंटिन्यू कर रहे हैं और इसके लिए उनकी लैंग्वेज पोर्टुगीज है. तो आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे पोर्टुगीज रेसिडेंट आज अफ्रीका की तरफ मूव कर रहे हैं क्योंकि पोर्टुगीज में इतना अपॉर्चुनिटी नहीं है जितना कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है. तो दिस इज व्हाट द वी कैन से थिंकेबल पैरामीटर कि फ्यूचर के अंदर कुछ तो नया शेप लेने वाला है. टोटल एरिया की अगर हम बात करें तो मोजाम्बिक का टोटल एरिया 8,590 स्क्वायर किलोमीटर है. पॉपुलेशन उनका तकरीबन 3 करोड़ है जबकि हमारा 138 करोड़ है. पॉपुलेशन ग्रोथ 3% पर एनम है, माने एवरी ईयर तकरीबन 9 लाख लोग एड होते हैं, 9 लाख इन्फंट न्यू इन्फंट. रिलीजन की बात करें तो 56.1% क्रिश्चियन है एंड 18% इस्लामिक और अदर देन दैट बाकी के जो भी कास्ट है वो. जीडीपी की बात करें तो 1,08,907 करोड़ का उनका जीडीपी है जबकि इंडिया का जीडीपी तकरीबन 201 लाख करोड़ का है, तो हमसे 200 गुना कम है लेकिन ये फास्ट मूविंग डेवलप्ड कंट्री है.
पर कैपिटा इनकम की बात करें तो इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। आप देखिए 105,820 उनकी पर कैपिटा इनकम है, जबकि इंडिया की 135,048 है। तो ये इतना बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। मुझे लगता है कि परचेसिंग पावर तो जितना हमारा अच्छा है वैसा ही उनका भी अच्छा है। तो जो चीजें हम इंडिया में परचेज कर सकते हैं वो चीजें वो लोग भी इजीली उनके कंट्री में परचेज कर सकते हैं। इसका मतलब होता है इंडियन मैन्युफैक्चरिंग की हुई जो प्रोडक्ट है ये इन मार्केट के लिए महंगा नहीं है। जो हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो पर्टिकुलरली मोजाम्बिक के लिए रेगुलर वो परचेज कर पाए ऐसे प्राइस के अंदर ही वो प्रोडक्ट जो है आप यहाँ से सेल कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आपका मार्केट जो है वो बहुत खुला है। क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करें तो उनका वेट सीजन और ड्राई सीजन, वेट सीजन आता है अक्टूबर टू मार्च एंड ड्राई सीजन होता है अप्रैल टू सितंबर। यस, एंड नेबर कंट्रीज में आप देखिए स्वाजीलैंड, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, मलावी एंड तंजानिया, ये छह कंट्री उनके साथ बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। बॉर्डर माने की लैंड लॉकिंग कंट्रीज है। तो अगर आपका एक बार बिजनेस मोजाम्बिक के अंदर स्टार्ट होता है तो आजू बाजू के जितनी भी कंट्री है आप उनके साथ भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो चैनल आपने चालू की होगी प्रोडक्ट के लिए वो धीरे धीरे आगे बढ़ के आजू बाजू के कंट्री तक भी पहुंचेगी। बिकॉज ये सब है ही एक जगह के कंट्री और एक ही कल्चर के कंट्री। तो डेफिनेटली यू विल गेट बेनिफिट इन फ्यूचर ऑफ योर करंट प्रोडक्ट जो आज आप मोजाम्बिक के अंदर स्प्रेड कर रहे हैं, जो आजू बाजू के कंट्री के अंदर स्प्रेड हो। करेंसी की अगर हम बात करें तो उनका करेंसी न्यू मैटिकल है, और एक न्यू मैटिकल तो अगर हम गिनने जाए तो 1.02 इंडियन रुपीस होते हैं, जबकि हमारे करेंसी से उनका करेंसी स्ट्रॉन्ग है। $1 इज इक्वल टू 62 न्यू मेटिकल्स, जबकि $1 इज इक्वल टू 74 रुपीस। सो दे हैव अ स्ट्रॉन्ग वी कैन से करेंसी देन अस। चलिए पॉपुलेशन डिवाइड की बात करें तो 38% पॉपुलेशन अर्बन एरिया में रहती है, जबकि 62% पॉपुलेशन रूरल एरिया में रहती है, जो धीरे 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 रूरल से अर्बन एरिया में ट्रांसफर हो रही है। It is also a very good opportunity for us to present our product in the urban areas. Labor force की हम बात करें तो occupationally 74.4% people जो है वो आज agriculture के साथ जुड़े हुए हैं। Industry के साथ तकरीबन 3% people जुड़े हुए, 3.9 यानी कि 4%, and service sector के साथ 21.7% people जो है वो जुड़े हुए हैं। तो इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि धीरे धीरे फ्यूचर के अंदर इंडस्ट्रियां बढ़ेगी तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ेगा, और इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ेगा तो डेफिनेटली पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो उनकी जरूरतें बढ़ेगी, और जरूरतें बढ़ेगी तो उनकी परचेज पावर बढ़ेगी। इंडियंस पॉपुलेशन इन मोजाम्बिक की बात करें तो अराउंड 45,000 इंडियंस आज मोजाम्बिक के अंदर रहते हैं। ये वो लोग हैं जो आपके बिहाफ में आपके कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और आपकी प्रोडक्ट को उनके मार्केट तक पहुंचाने का काम कर सकते हैं। सो इट इज अ वेरी गुड पॉपुलेशन फॉर अस जो इंडिया इंडियन है, और पर्टिकुलरली अगर उनके साथ हम कनेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली दे विल गोइंग टू हेल्प अस टू प्रमोट अवर प्रोडक्ट इन मोजाम्बिक। उनके मार्केट का स्टडी करके भी आपको बता सकते हैं कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जिनका बहुत अच्छा यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। यस, लिटरेसी रेट 58.1, इट इज टू गुड, और धीरे धीरे ये लिटरेसी रेट बढ़ रहा है। तो आगे जाके हमको ये भी देखने को मिलेगा कि लिटरेसी रेट उनका 70% तक पहुंचे, और जिनके थ्रू हम बहुत ऐसी टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं जो अल्टीमेटली उनकी पॉपुलेशन को रिक्वायरमेंट में आएगी इन फ्यूचर। अफ्रीका इज द 16th रिचेस्ट कंट्री, मोजाम्बिक इज द अफ्रीकाज 16th रिचेस्ट कंट्री, 16वां रिचेस्ट कंट्री है। तो हमारे लिए ये भी एक अच्छा एरिया है काम करने का, क्योंकि उनका पर कैपिटा इनकम जो है वो अच्छा है, तो उनका जो परचेसिंग पावर है वो भी अच्छा है। 18% population occupied in agricultural, जबकि 90% land जो है is bare to cultivate. आज की दिन में भी 90% ऐसी land है जिसके अंदर lots of water है, but ये सारी land आज के दिन में भी uncultivated है, जिनके through हम future opportunity को देख सकते हैं, और वहाँ पे cultivation की opportunities find out करके worldwide Mozambique से export कर सकते हैं। बहुत सारे मैंने कुछ गुजराती businessmen देखे हैं जो पर्टिकुलरली अफ्रीका के अंदर उन्होंने कुछ जमीन परचेज की है, वहां पे वो खेती करते हैं और प्रोडक्शन को वर्ल्ड वाइड सेल करते हैं। तो दिस इज व्हाट द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन मोजाम्बिक आल्सो। जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें तो वन ऑफ द हाईएस्ट अमंग द अफ्रीकन कंट्रीज। अगर हम मोजाम्बिक की बात करें तो जीडीपी ग्रोथ इनका वन ऑफ द हाईएस्ट वी कैन से जीडीपी ग्रोथ है अफ्रीकन कंट्री के अंदर। तो ये भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगी इन फ्यूचर। रेल कनेक्टिविटी उनकी मालावी, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका के साथ है। तो मान लीजिए अगर मालावी और जिम्बाब्वे को आप डायरेक्टली टच नहीं कर पाते हैं पोर्ट के थ्रू,
तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मोजाम्बिक का पोर्ट जो है वो आपके लिए चालू है तो डेफिनेटली आपका गुड्स मालावी और जिम्बाब्वे तक पहुंचेगा, साथ में साउथ अफ्रीका तक भी। तो ये वाला भी एक अच्छा पार्ट है हमारे लिए कि उसके जितने भी आजू बाजू के कंट्री है वहां तक उनकी रेल लाइन भी अवेलेबल है और बाय रोड भी उनका ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल है, तो आपका गुड्स आप आजू बाजू के कंट्री तक भी इजीली पहुंचा सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं मेजर सिटीज विद द पॉपुलेशन। यहाँ पे मैंने कुछ सिटीज के नाम लिए हैं जिसको फोकस कर सकते हैं हम फ्यूचर के लिए, जिसमें सबसे पहला उसका सिटी है माटोला जिसके अंदर टोटल पॉपुलेशन है अराउंड 16 लाख, मापुटो जिसके 11 लाख अंदर, मापुला एंड बैरा, ये चार सिटी जो है ना ये फोकसेबल सिटी है जब आप अपना प्रोडक्ट जो है उनको वी कैन से प्रेजेंट करने वाले हैं। यस, तो मुझे लगता है कि ये सिटीज है जिनके अंदर अर्बन पॉपुलेशन रहती है जिसके थ्रू आप आपकी बात को कनेक्ट कर पाएंगे, आपके प्रोडक्ट को सेल कर पाएंगे। अदर देन दैट अर्बन एरियाज के अलावा जो रूरल एरियाज की रिक्वायरमेंट है उसको कनेक्ट करने के लिए भी आप लोकल ट्रेडर्स के साथ काम करके बाकी के लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो दीज आर द मेन सिटीज ऑफ द कंट्री जिनके थ्रू आप अपना प्रोडक्ट जो है वो वहां पर पहुंचा के अच्छा खासा मार्केट डेवलप कर सकते हैं। Now we are coming to the next and very interesting data. It is the internet users. आप देखिए internet users आज के जमाने में बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप किसी को connect करना चाहते हैं world wide तो ये पता होना चाहिए कि कितने लोग वहाँ पे internet use कर रहे हैं। Because आज के दिन में सबसे अच्छा जरिया अगर किसी को connect करने का है तो वो internet है, तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि कितने लोग internet users हैं। The figures are very impressive. देखिए internet users in Mozambique right now 54 lakh people are using the internet. तो आप समझ सकते हैं कि उनकी टोटल पॉपुलेशन का तकरीबन 15-17 हिस्सा जो है परसेंट हिस्सा वो इंटरनेट यूज कर रहा है। द नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स इन मोजाम्बिक इंक्रीज्ड 439,000 इन लास्ट ईयर ओनली। इंटरनेट पेनिट्रेशन इन मोजाम्बिक स्टूड एट 17% इन जनवरी 2020। तो आप समझ सकते हैं 17% के हिसाब से ये बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा डेफिनेटली वी विल गेट मोर बेनिफिट। सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया के टोटल 25 लाख यूजर्स हैं, और आप समझ सकते हैं 25 लाख पीपल आर ऑन सोशल मीडिया, क्या तो या वो लोग फेसबुक पे है या तो इंस्टा पर है या तो लिंक्डइन पर है, कहीं पर भी। ये 25 लाख लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं और आपके साथ बिजनेस जो है उनके लिए डील भी कर सकते हैं। द नंबर ऑफ सोशल मीडिया यूजर्स इन मोजाम्बिक इंक्रीज इन लास्ट ईयर इज 368,000, तकरीबन 4 लाख लोग लास्ट ईयर के अंदर बढ़े। तो ये दिन ब दिन तकरीबन ये समझिए 4 लाख की एवरेज से आगे बढ़ रहा है, यस एवरी ईयर। एंड सोशल मीडिया पेनिट्रेशन इन मोजाम्बिक स्टूड एट 8.1% इन जनवरी, इट इज द हाईएस्ट ग्रोथ। एंड मोबाइल कनेक्शन की बात करें तो तकरीबन 153 लाख लोग आज मोबाइल कनेक्शन के साथ जुड़े हैं, माने कि आधी बस्ती उनकी मोबाइल के साथ जुड़ी हुई है। तो जितने भी लोग आज मोबाइल के साथ जुड़े हैं वो धीरे धीरे स्मार्टफोन के थ्रू कनेक्ट हो गए, और डेफिनेटली जैसे जैसे उनके पास इंटरनेट की सुविधा आएगी दे विल गोइंग टू कनेक्ट विद द इंटरनेट, एंड ये कहीं ना कहीं हमको बेनिफिट देगा इन अपकमिंग फ्यूचर। या तो द नंबर ऑफ मोबाइल कनेक्शन मोजाम्बिक इंक्रीज बाय 842,000, तकरीबन 8.5 लाख मोबाइल कनेक्शन लास्ट एक ईयर में इसके अंदर बढ़े। या सो इट इज शोइंग दैट कि पीपल्स आर क्रेजीली मूविंग विद रिस्पेक्ट टू द टेक्नोलॉजी, एंड गवर्नमेंट भी उस तरह से उनको अभी के लिए पूरा जो सर्विसेज है वो देने के लिए तैयार है। चलिए मेन पोर्ट की अगर हम बात करें मोजाम्बिक के, तो देर आर 4 मेन पोर्ट इन द मोजाम्बिक, बैरा, नकाला, मापुटो एंड क्यूएलिमेन। ये चार पोर्ट जो है ना जिसके थ्रू मेनली आप काम कर सकते हैं, जिसमें बैरा, नकाला एंड मापुटो ये की पोर्ट है जिसके वहां सारी फैसिलिटीज है। तो बैरा जो है वो मेन पोर्ट है इनका, जिसकी फैसिलिटीज और जो भी उनका बेसिक सेटअप होना चाहिए वो परफेक्टली अवेलेबल है। यस, चलिए तो पोर्ट के बारे में थोड़ा मैं डिटेल में आपको यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन कुछ दिया है लेकिन मैं सब नहीं पढ़ रहा हूँ। बेरा पोर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए ऑल इक्विपमेंट फॉर ऑल काइंड ऑफ द कार्गो के लिए दिया हुआ है कि शिप टू शोर गेंट्री जो क्रेन्स अवेलेबल है वो 50 टन की अवेलेबल है, रेल माउंटेड गेंट्री क्रेन जो अवेलेबल है वो भी 50 टन की अवेलेबल है, एंड रीच टेकर 45 टन की अवेलेबल है। तो मैं सोचता हूँ कि इतना जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया है ये मोर देन इनफ है कि जितना भी गुड्स आज वहां पे पहुंच रहा है उसको टाइमली डिलीवर या तो डिस्पैच करने के लिए। यस, तो अल्टीमेटली ये जो अनलोड का प्रोसेस होता है ना उनके लिए जो टाइम लगता है वो तकरीबन यहाँ पे 24-36 आवर है। अगर एक शिप हम 300-400 कंटेनर की गिने तो इट इज टेकिंग 24-36 आवर, सो इट इज नॉट मच टाइम। दुनिया के जो एवरेज टाइम है उसमें से एक टाइम है, तो डेफिनेटली इनके पास पोर्ट माउंटेड क्रेन्स अवेलेबल है। तो ये बहुत टेक्नोलॉजिकली दे आर साउंड, सो ये हमारे लिए अच्छी बात है कि जब गुड्स वहां पे पहुंचेगा तो वो स्टक बैक नहीं होगा लॉन्ग टाइम पे,
और जल्दी वो छूट के मार्केट के अंदर पहुंचेगा। देन आप अगर नकाला पोर्ट की बात करें तो ऑल इक्विपमेंट फॉर ऑल काइंड ऑफ द कार्गो अवेलेबल, लाइक यहाँ पे 5 बल्क लोडिंग है, 2 इवैक्यूएटर्स एंड 2.5 टन की फॉर्कलिफ्ट भी अवेलेबल है। यस, तो आप पोर्ट का पिक्चर भी देख सकते हैं, ये रियल टाइम पोर्ट पिक्चर है जिसमें आप देख सकते हैं कि पोर्ट के ऊपर माउंटेड ही क्रेन्स अवेलेबल। अगर मापुटो पोर्ट की हम बात करें तो मापुटो पोर्ट के अंदर भी मोबाइल हार्बर क्रेन्स अवेलेबल है 100 टन की, एम्प्टी कंटेनर टॉप लिफ्टर भी अवेलेबल है 45 टन के। तो ये सारी उनकी टेक्निकल जो अवेलेबिलिटी है वो है। और क्यूलेमिन की बात करें तो यहाँ पे कोई विजिबल पोर्ट के ऊपर फिक्स कंटेनर, सॉरी ये अपना जो क्रेन है वो नहीं अवेलेबल है, लेकिन करंटली वेसल्स को खाली करने के लिए वेसल्स के अंदर जो इक्विप्ड होता है इस तरह का जो मशीनरी है वो अवेलेबल है। तो मुझे लगता है कि 4 पोर्ट के अंदर जो भी टेक्निकल अवेलेबिलिटीज उनकी है, इनके थ्रू उनका जो भी अनलोडिंग का टाइम है वो बहुत कम है, और इसलिए प्रोडक्ट को वो जल्दी डिस्पैच करके मार्केट तक इजीली पहुंचा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इंडियाज एक्सपोर्ट टू द मोजाम्बिक, लेट्स सी द फिगर्स, और जिसके थ्रू मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। पहले तो इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट जो आज मोजाम्बिक के अंदर है वो तकरीबन 15,000 करोड़ है। सो इट इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, इट इज 15,000 करोड़। एंड 36th रैंक पे आज मोजाम्बिक हमारे एक्सपोर्ट के अंदर आता है, जो दुनिया के हम 180 कंट्री में जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, उसमें 36th रैंक पर हम मोजाम्बिक को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सो इट इज अ वेरी मच पोटेंशियल कंट्री फॉर अस। दिस इज द डेटा ऑफ द ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज। आप देखिए उसके अंदर 2018-19 और 19-20 में ग्रोथ रेट की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं आज अफ्रीकन कंट्री में मोजाम्बिक फर्स्ट नंबर पे है। 104% का ग्रोथ आज हमें पर्टिकुलरली मोजाम्बिक में मिल रहा है। आप देखिए लास्ट ईयर हमारा टोटल एक्सपोर्ट तकरीबन 7,000 करोड़ था, जबकि लास्ट ईयर और लास्ट ईयर का टोटल एक्सपोर्ट हमारा 15,000 करोड़ के ऊपर। इट इज कम्प्लीटली शोइंग दैट कि ये हमारे लिए बायलेटरल के बिजनेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री है, जिनके थ्रू आगे बढ़ के हम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर ये कॉन्टिनेंट में देखेंगे तो साउथ अफ्रीका के साथ हमारा 29,000 करोड़ का बिजनेस है, तांजानिया के साथ हमारा 12,000 करोड़ का बिजनेस है, और केन्या के साथ 14,000 करोड़ का। सो तकरीबन ये सारे कंट्री भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए क्रिएट कर रहे हैं। और इसके अलावा भी सारे कंट्रीज में कुछ ना कुछ हमारा पॉजिटिव ग्रोथ दिख रहा है आपको। तो कुछ कंट्री को अगर बात करें जैसे कि मॉरिशियस एंड जिबौटी, उसके अलावा ऑलमोस्ट आप देखिए कहीं पे भी आपको ना इतना नेगेटिव ग्रोथ नहीं मिलेगा। तो ये सारे कंट्री वो है जो इन फ्यूचर हमें कुछ ना कुछ अच्छा रेम्यूनरेशन देने वाले हैं, अच्छा रेमिटेंस देने वाले हैं। तो दीज आर द टारगेटेड कंट्री फॉर अस फॉर द फ्यूचर एक्सपोर्ट। चलिए अब हम बात करते हैं कि ये 15,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं, उनके अंदर कौन सी ऐसी की कॉमोडिटीज है जिनका हमको सबसे अच्छा सपोर्ट मिला है और जिसके अंदर सबसे अच्छा विकेंस से हमारा ग्रोथ है। दीज आर दी कॉमोडिटीज जिनके अंदर हमने लास्ट ईयर में बहुत अच्छा ग्रोथ देखा। मैं यहाँ पे आपको जितने भी ग्रीन कलर में दिखाई है वो सारी कॉमोडिटीज ऐसी है जो पर्टिकुलरली ग्रोथ के अंदर है, या तो 2019-20 के अंदर हाईएस्ट ग्रोथ में हमको मिली। अब देखिए स्टडी ये बताती है कि 30 नंबर का जो HS कोड है फार्मास्यूटिकल का, जिसके अंदर लास्ट ईयर हमारा टोटल ग्रोथ 30.8% रहा और हमारा एक्सपोर्ट 989 करोड़ रहा, तकरीबन 1,000 करोड़ मेडिसिन के अंदर। देन आफ्टर मिसेलेनियस केमिकल प्रोडक्ट के अंदर हमारा जो टोटल एक्सपोर्ट है ये तकरीबन 303 करोड़ रहा, 1,132% का ग्रोथ मिला, 1,132%। सो इट इज टू मच पोटेंशियल वी कैन से एरिया केमिकल प्रोडक्ट्स जो आज इंडिया से बहुत अच्छे लेवल पे एक्सपोर्ट हो रहा है। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे चाइना ने कुछ केमिकल्स बंद किए, जर्मनी ने कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करना बंद किया और वही केमिकल्स आज इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं। आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज म्यूट योर माइक। हेलो, हेलो,
ओके आपका कोई भी अगर क्वेश्चन है तो हम लास्ट में लेंगे, अभी के लिए क्वेश्चन नहीं ले सकते, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि अदरवाइज सेमिनार खत्म नहीं होगा, मुझे बहुत सारी बातें आपसे अभी करनी बाकी है। ओके फाइन, सो लेट्स मूव। 38 नंबर का जो चैप्टर है एचएस कोड के अंदर वो केमिकल प्रोडक्ट है, तो केमिकल प्रोडक्ट का भी हमारा बहुत अच्छा ग्रोथ है। देन आफ्टर प्लास्टिक प्रोडक्ट, उसके बाद कॉटन 52 नंबर पे, देखिए 17% के ग्रोथ हमको मिल रहा है कॉटन के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी जो है इसके अंदर 66% का ग्रोथ है। नीचे आए आयरन एंड स्टील के अंदर जो प्रोडक्ट होती है रॉ मटेरियल के, उसके अंदर हमारा 192% का ग्रोथ हमको लास्ट ईयर मिला। इसके अलावा आयरन और स्टील के आर्टिकल, सिरामिक प्रोडक्ट एंड रबर के अंदर, रबर की जो प्रोडक्ट है इसके अंदर भी हमारा बहुत अच्छा ग्रोथ हमको मिला। सो दिस इज व्हाट द डेटा वी हैव फाउंड, कि भाई जिसके थ्रू हम ये चेक कर सकते हैं कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जिनके अंदर हम अपॉर्चुनिटीज को देख के वो प्रोडक्ट में आगे काम कर सकते हैं। चलिए इसमें से कुछ कॉमोडिटीज मैंने पसंद की हुई है, जो कॉमोडिटीज को पर्टिकुलरली मैंने यहाँ पे थोड़ा डिटेल स्टडी किया, तो मुझे समझ में आया कि ये जो कॉमोडिटीज है, जैसे कि 30 नंबर फार्मास्यूटिकल कॉमोडिटीज है, तो ये कॉमोडिटीज में 8 नंबर के एचएस कोड कौन से एक्सपोर्ट हो रहे हैं, तो चलिए उसके ऊपर थोड़ा बात करते हैं। सो आई हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ चैप्टर नंबर 30। द चैप्टर नंबर 30 इज ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में आप देखिए जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव ग्रोथ में प्रोडक्ट हमको दिखाई दे रही है, उसमें सबसे पहले है 3004909, ये है अदर मेडिसिन पुट अप फॉर द रिटेल सेल। अब देखिए ये रिटेल सेल वाला जो प्रोडक्ट मेडिसिन है ना, जैसे मान लीजिए कि आपको सर्दी है तो उसके लिए जो दवाई है, कहीं पे अगर आपको कोई कोई चीज पेन कर रही है तो उसके लिए दवाई है, यानी कि पेन किलर्स अगर हम फोकस करते हैं, तो ऐसी जो प्रोडक्ट है जो पर्टिकुलर फार्मास्यूटिकल के अंदर फॉल हो रही है, ऐसी सारी प्रोडक्ट का यहाँ से रिटेल काउंटर पे एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा है, जिनको यहाँ से बाय एयर सैंपल के तौर पे भेजा जाता है या तो कार्गो के तौर पे भेजा जाता है, और उसके थ्रू बहुत अच्छा बिजनेस जो डेवलप कर रहे हैं इंडियन। सो देखिए इस प्रोडक्ट के अंदर टोटल जो मेडअप है उसमें से 632 करोड़ का बिजनेस हम ये रिटेल काउंटर से ले रहे हैं, 632 करोड़, जबकि 61 करोड़ का जिसके अंदर एंटीबायोटिक्स है, ऐसा मटेरियल के थ्रू हम इसका सेल करके हमारा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। सिडेटिव्स प्रोडक्ट के अंदर 43 करोड़ का हमारा टोटल एक्सपोर्ट है। सिडेटिव्स माने जो मानसिक संतुलित नहीं होते, उन लोगों को जो डॉक्टर दवा देते हैं जो उनको उनको मेंटली रिलीज करता है, ऐसी प्रोडक्ट का भी बहुत अच्छा मार्केट डेवलप हो रहा है। एंटी ट्यूबुलर प्रोडक्ट अगर हम देखते हैं, ट्यूबुलर प्रोडक्ट, तो उसके अंदर भी हमारा पोटेंशियल प्रोडक्ट का वी कैन से ग्रोथ है। देन इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट एंड मलेरिया डायग्नोस्टिक किट, आप देखिए इसके अंदर लास्ट टू लास्ट ईयर टोटल एक्सपोर्ट 4 करोड़ का था, जबकि लास्ट ईयर ये एक्सपोर्ट बढ़ के हो गया 6 करोड़ का। तो ये जो मलेरिया डायग्नोस्टिक किट है ना, ऐसे ही बहुत सारे और भी किट्स आते हैं जिनके थ्रू जनरली हम रोग को आइडेंटिफाई करते हैं, तो उस सेक्टर में भी यहाँ पे एक्सपोर्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है, और इंडियंस मैन्युफैक्चरिंग दिस काइंड ऑफ द प्रोडक्ट वेरी इफेक्टिवली एंड विद क्वालिटी। तो आप सब जानते हैं कि चाइनीज पेंडेमिक के बाद बहुत सारे इंडियन कंपनीज ने यहाँ पे अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट की कि जो प्रोडक्ट आज चाइना बना रहा है वो सेम प्रोडक्ट हम भी यहाँ पे प्रोडक्शन में ला सकते हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल N95 मास्क है। आप सब जानते हैं कि N95 मास्क पेंडेमिक के पहले इंडिया के अंदर कहीं पे भी नहीं बनता था, कुछ कंपनी को अगर छोड़ दे तो। आज के दिन में N95 मास्क का इंडिया के अंदर टोटल प्रोडक्शन डेली का मोर देन 20 लाख पीसेस है। तो आप समझ सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी ने हमें बहुत सारी चीजें सिखाई, और आज हम ये समझ गए हैं कि आगे के टाइम में भी हम कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं है जो चाइना बना सकता है और हम नहीं बना सकते, तो ये कॉम्पिटिटिव मार्केट से बनेगा। और सबसे बड़ी बात आप समझिए, आज की डेट से भी अगर चाइना से हम N95 मास्क इंपोर्ट करते हैं ना, तो तकरीबन वो 40-50 रुपीज में इंडियन मार्केट में आता है, जबकि आज की डेट में वो 3 मेलब्लोन का N95 मास्क इंडियंस 7-8 रुपए में बनाते हैं, 7-8 ओनली। ये हमको तब पता चला जब हमने उसके ऊपर हाथ लगाया, प्रोडक्शन करना चालू किया, और हमें लगा कि यस दिस इज व्हाट द प्रोडक्ट वी कैन इजीली डेवलप, और उसके लिए कोई मशीनरी नहीं, जो सेटअप मशीनरी थी उनके अंदर ही कुछ स्मॉल चेंजेस करके लोगों ने N95 मास्क बनाना चालू किया। यू कैन अंडरस्टैंड धीरे 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 जैसे यंगस्टर्स बढ़ रहे हैं, उनका स्टडी बढ़ रहा है, दे हैव डेवलप अ नंबर ऑफ गुड प्रोडक्ट्स जो चाइना की कॉम्पिटिशन में आ सकते हैं। तो ये वाला जो मैंने आपको बताया चैप्टर नंबर 30 है, जिसके अंदर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिसको डेटा के थ्रू आप चेक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम बात करें पर्टिकुलरली 30 नंबर के चैप्टर की पिछले 5 सालों के अंदर ग्रोथ की, तो आप देखिए जो 5 सालों के अंदर ग्रोथ हमें मिला है
इसके अंदर बेहतरीन फिगर्स हमारे सामने हैं। अगर 15-16 को बात करते तो तकरीबन हमारा जो ग्रोथ है वो 30% के हिसाब से आगे बढ़ा है 17-18 को बात करते। राइट नाउ वी आर एट 989 करोड़। इसका मतलब है कि एवरी ईयर 30% के हिसाब से हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होना चालू हुआ है जो कंटिन्यूस आगे के सालों में रहने वाला है। तो वेरी गुड प्रोडक्ट टू बी एक्सपोर्टेड इन द मोजाम्बिक मार्केट टू बी फोकस्ड। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 38 नंबर चैप्टर जो है केमिकल प्रोडक्ट। तो मैंने यहाँ पे कुछ केमिकल्स को बाहर निकाला है जिसका सबसे ज्यादा यहाँ पे एक्सपोर्ट चालू हुआ है और जिसके अंदर बहुत बेहतरीन ग्रोथ मिला है। जैसे कि 469% का ग्रोथ हमें पहली प्रोडक्ट के अंदर मिला है इंसेक्टिसाइड के अंदर। तो इंसेक्टिसाइड जो केमिकल्स है उनके अंदर लास्ट ईयर 7 करोड़ का हमारा एक्सपोर्ट था। उसके ऊपर है एडिटिव फॉर द लुब्रिकेंट ऑयल जिनका हमारा 7 करोड़ का एक्सपोर्ट है, और सॉरी लुब्रिकेंट ऑयल जिसका हमारा 279 करोड़ का एक्सपोर्ट है लास्ट ईयर का अगर हम काउंट करें। उसके अलावा एक्टिव कार्बन अदर्स जो फंगिसाइड्स केमिकल्स हैं, क्योंकि वहां पे आपको पता है कि जो है सैनिटाइजेशन है वो इतना अच्छा नहीं है और इसलिए बहुत ज्यादा लोग जो है वो कहीं ना कहीं ईल होते हैं। उनको बचाने के लिए गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग केमिकल्स को, जैसे हम यहाँ पे DDT का यूज करते हैं वैसे ही वहां पर भी यूज कर रहे हैं। तो इन दैट केस वी हैव अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू सेल दैट काइंड ऑफ द प्रोडक्ट इन दैट मार्केट। लास्ट में देखिए ब्रेक फ्लूइड। अब देखिए कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट है जिनका अभी रिसेंटली एक्सपोर्ट चालू हुआ, जिसमें मैंने एक एग्जांपल लिया है ब्रेक फ्लूइड का जो लास्ट में दिया गया है आपको। अब ये हाइड्रोलिक फ्लूइड जो है ना वो लास्ट ईयर 16 लाख का एक्सपोर्ट हुआ। अब देखिए यहाँ से एक चीज बहुत डेफिनेटली ये पता चलती है कि ये वाला जो प्रोडक्ट है जो ये साल एक्सपोर्ट हुआ है तो इसका मतलब वहां पे डिमांड चालू हुई है। अब जैसे जैसे ये डिमांड बढ़ती जाएगी आई एम टेलिंग यू डेफिनेटली इन फ्यूचर आपको इसी प्रोडक्ट के अंदर मोर इंक्वायरी आती जाएगी और आप ज्यादा से ज्यादा इस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर पाएंगे। ये तो एक एग्जांपल दिया है, ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट है जो 2018-19 में एक्सपोर्ट नहीं हुई थी जबकि 2019-20 में पहली बार एक्सपोर्ट हुई और जिसके अंदर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो फ्यूचर में तैयार हो सकती है। अगर हम बात करें पर्टिकुलरली चैप्टर नंबर 38 केमिकल्स के ग्रोथ की तो आप देखिए तकरीबन पॉजिटिव ग्रोथ हमें मिल रहा है और लास्ट ईयर का अगर देखें तो 1,132% का ग्रोथ मिला। लाइक 24 करोड़ का जो हमारा एक्सपोर्ट था वो 303 करोड़ पे पहुंचा है। यस, आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 52 जो कॉटन प्रोडक्ट है, इंडियन कॉटन प्रोडक्ट। इसके अंदर सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट वुवन फैब्रिक कॉटन का हो रहा है। अब देखिए 159 करोड़ का एक्सपोर्ट हमने लास्ट ईयर अचीव किया 34% के हिसाब से, ग्रोथ के हिसाब से। आप ऊपर से नीचे सारी प्रोडक्ट जो ग्रीन मार्क में लिखी आपको दिख रही है आप सब देखिए, सबके अंदर पॉजिटिव ग्रोथ है। इसका मतलब इंडियन कपड़ों का मार्केट मोजाम्बिक सबसे बड़ा हिट करेगा इन फ्यूचर। ये ग्रोथ हमें यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली। सो यू कैन सिंपली अंडरस्टैंड कि जितनी भी यहाँ पे आप कॉटन प्रोडक्ट देख रहे हैं जिसके अंदर आप देखिए शर्टिंग फैब्रिक की अगर हम बात करें तो पिछले साल 78 लाख का एक्सपोर्ट हुआ था जबकि लास्ट ईयर 1 करोड़ 30 लाख का एक्सपोर्ट हुआ। सो वी हैव अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज इन अदर कॉटन फैब्रिक्स आल्सो। सो फैब्रिक के अंदर इंडिया धीरे धीरे अपना जो वी कैन से स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड है वो जमा रहा है और इन फ्यूचर इसके बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स हमको दिखने वाले। अगर हम बात करें ये सेक्टर के ग्रोथ की तो इसमें भी बेहतरीन ग्रोथ हमें कंटिन्यूस मिला है 2015-16 को छोड़ के बाकी के ईयर में। आप देखिए 115 करोड़ से हम आज 184 करोड़ पर पहुंचे हैं टोटल एक्सपोर्ट के अंदर, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं कॉटन और उसके मेडअप्स की। तो इट इज वेरी गुड फॉर अस कि जो आज हमारे यहाँ से बहुत बेहतरीन मात्रा में एक्सपोर्ट जो है वो हो रहा है। यस, आगे बढ़ते हैं 69 नंबर का चैप्टर सिरामिक। दिस वन इज ऑल्सो वेरी गुड चैप्टर टू बी फोकस्ड क्योंकि ये कंट्री अभी अंडर डेवलप्ड कंट्री में आता है। तो आप सब जानते हैं कि इनके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चरल बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। तो जब कोई भी कंट्री इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में आगे काम कर रहा हो तो डेफिनेटली उनको बेसिक कंस्ट्रक्शन रॉ मटेरियल की बहुत जरूरत होती है और इसीलिए आप यहाँ पर भी ये चैप्टर में परसेंटेज वाइज ग्रोथ को देखिए 2019-20 में ऑलमोस्ट आपको हर चीज में पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिलेगा, जिसके अंदर यहाँ पे आपको सबसे पहले सिरामिक टाइल्स दिया गया है, देन आफ्टर फिनिशिंग जो टाइल्स होता है सिरामिक वो दिया गया है, सैनिटरी फिक्स्चर जो पोर्सेलेन से बनते हैं जो चाइनीज पोर्सेलेन है उनसे, उसके अलावा ब्रिक्स जो हमारा एश ब्रिक्स बनता है यहाँ पे उनका भी बहुत बड़ा मार्केट है, एंड अदर सिरामिक आर्टिकल्स जो पर्टिकुलरली पोर्सेलेना से बनते हैं पोर्सेलेन सीमेंट से।
सो आई एम टेलिंग यू कि जितनी भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड मटेरियल्स हैं, ये भी बहुत बड़ा स्कोप है यहाँ से एक्सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि ये डेवलपिंग कंट्री के अंडर आता है, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं अंडर डेवलप कंट्री की कैटेगरी में से उनको अगर डेवलपिंग में आना है तो बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलप जो है वो भी करना बाकी है। इनके लिए इनको फंड की तरफ से ये सॉरी फंड के वी कैन से बहुत सारे रास्ते उनके पास ओपन है, जैसे WTO उनको फंडिंग करता है, वर्ल्ड बैंक उनको फंडिंग करता है, दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो अफ्रीकन कंट्री में आज अपना फंडिंग देती है, अपने कुछ ऐसे NGO चलाती है, जैसे आप सब जानते हैं बिल गेट्स फाउंडेशन है, मेलिंडा फाउंडेशन है, तो ये बहुत सारा रुपया जो है वहां पे खर्च करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर भी बहुत सारा रुपया जो है खर्च कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इन फ्यूचर वी हैव अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल विद द सिरामिक प्रोडक्ट चैप्टर नंबर 69। अगर हम इसका ग्रोथ देखें तो आप देखिए पिछले 5 सालों में इसमें भी तकरीबन पॉजिटिव ग्रोथ मिला है, और तकरीबन लास्ट ईयर में हमारा 52 करोड़ का एक्सपोर्ट था। सो दिस इज अगेन अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। अब देखिए दीज आर नॉट अ स्मॉल फिगर्स, इट इज अ 52 करोड़, यानी कि अगर आपके पास कोई 5 से 7 पार्टी भी रेगुलर बेस पे माल लेती है तो आपका 5 से 7 करोड़ का माल तो आराम से निकलेगा। तो दिस इज व्हाट द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज वी कैन फोकस इन दिस पर्टिकुलर कंट्री। चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 10। दिस वन इज ऑल्सो वेरी गुड फोकस एरिया टू बी एक्सपोर्ट, एंड जिसके अंदर देखिए सीरियल्स माने जो भी अपना अनाज है, यस, जिसके अंदर वीट जिसमें हमारा लास्ट ईयर 1.55 यानी कि 1,55,000 का टोटल एक्सपोर्ट था, 143% का ग्रोथ मिला। तो इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि वीट की जरूरत जो है वो धीरे धीरे इंडिया से सप्लीमेंट में आ रही है, लेकिन वीट के अंदर प्रॉब्लम ये है कि ये गवर्नमेंट कोटा में आता है, तो जब तक कोटा ओपन नहीं होता आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। सेकेंडली राइस और बासमती राइस का सबसे बड़ा मार्केट है, तो यू कैन चेक इट आउट दैट कि 77% का ग्रोथ जो है वो लास्ट ईयर हमको मिला। उसके अलावा बाजरा जो जवार है, रागी है, इनका भी बहुत अच्छा मार्केट फ्यूचर में हो सकता है, और यू कैन मूव फर्दर विद दोस काइंड ऑफ द प्रोडक्ट। लेकिन से सीरियल्स ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लिया है कि ये एरिया हम फोकस कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी प्रोडक्ट का तकरीबन हमारा 25 से 27 करोड़ का एक्सपोर्ट है। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं एक्सपोर्ट ग्रोथ ऑफ द चैप्टर नंबर 10। और इसके अंदर भी आप देखिए पिछले 2 सालों में जो ग्रोथ है वो तकरीबन बहुत अच्छे तरीके से 16% से ऊपर बढ़ा है, जबकि 2018-19 में तो अचानक से 155% बढ़ा था, लेकिन लास्ट ईयर में भी इनका ग्रोथ जो सस्टेन रहा है। तो सारी जितने भी मैंने चैप्टर लिए उसमें सस्टेन ग्रोथ मिला है, उसके अलावा भी सारी चीजें तो मैं यहाँ पे सेमिनार में नहीं ले पाऊंगा, तो इसके अलावा भी अगर आप कोई भी चैप्टर चेक करेंगे आई एम टेलिंग यू डेफिनेटली आपको उसके अंदर पॉजिटिव ग्रोथ जो है वो मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं फोकस सेक्टर के ऊपर कि ऐसे कौन से फोकस सेक्टर है जिनके अंदर मोजाम्बिक के अंदर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। जिसके अंदर सबसे पहला है गैस एंड ऑयल रिजर्व्स। आई एम टेलिंग यू इन फ्यूचर इमर्जिंग प्लेयर के तौर पे ऑयल एंड गैस में मोजाम्बिक नंबर 2 पे आने वाला है। आई एम टेलिंग यू हाल ही में एक सर्वे के हिसाब से आज मोजाम्बिक की जमीन के अंदर एक बहुत बड़ा ऑयल एंड गैस का वी कैन से पोटेंशियल एरिया मिला है, जो कि दुनिया का 2nd लार्जेस्ट एरिया है। तो बहुत सारी कंपनियां जिसके ऊपर फोकस कर रही है। अब आप देखिए जिनके पास ऑयल एंड गैस है वो तो डेफिनेटली अगले कुछ सालों के अंदर दुनिया के अंदर टॉप प्लेयर में आएंगे, तो मोजाम्बिक उसमें से एक है। मान लीजिए 10 साल के अंदर जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा ये कंट्री अचानक रिचेस्ट कंट्रीज में से एक होगा, जैसे कि दुबई है, और उसके अंदर डिमांड भी जो है वो अचानक बढ़ेगी इंफ्रास्ट्रक्चरली और उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसके बेस पे भी। द इकोनॉमी विल बूस्ट शार्पली बिकॉज ऑफ दिस एंड पर कैपिटा इनकम विल ऑल्सो इंक्रीज, तो उनका परचेसिंग पावर भी बढ़ेगा और फ्यूचर डिमांड विल इंक्रीज अकॉर्डिंगली, क्योंकि जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी बट ऑब्वियस है उनकी जो खरीद शक्ति वो बढ़ेगी और अपॉर्चुनिटीज जो हमारे लिए है वो शार्पली बढ़ेगी। दूसरा सेक्टर है एग्रीकल्चर फिशिंग एंड फॉरेस्ट्री। अब ये वाला सेक्टर जो है ना वो बेनिफिशियल है उन लोगों के लिए जो वहां से कुछ इम्पोर्ट करना चाहते हैं। तो देखिए 80% पीपल्स इन द कंट्री आर जनरली वी कैन से एंगेज्ड विद एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, या तो आप समझ सकते हैं कि एग्रीकल्चरल में उसके अंदर बहुत अच्छा ऑप्शन है। दूसरा एक चीज बहुत ही यहाँ बेहतरीन तरीके से जो हमको समझ में आता है वो ये है, जब ये कंट्री 80% लोग जब इनके अंदर एग्रीकल्चर के अंदर जुड़े हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये पूरा कंट्री आज एग्रीकल्चरल बेस्ड पे अपना इकोनॉमी चला रहा है। यस, तो एग्रीकल्चरल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उनको भी बहुत सारी ऐसी मशीनरी चाहिए जिनके थ्रू वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कर पाए, उनका क्रॉपिंग ले पाए। तो आज आप जानते हैं कि इंडिया के अंदर ऐसे बहुत कंपनियां हैं जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के लिए उसका बेसिक मशीन्स बनाते हैं।
तो आपको पता है कि बहुत सारे बेसिक्स मशीन और उसके जो एम्यूनेशन आते हैं वो डेफिनेटली इंडिया के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में बनता है। तो मैं सोचता हूँ कि ये भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है हमारे लिए, पर्टिकुलरली एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के अंदर हमारा जो पार्ट है उनको अगर हम फोकस करें तो मशीनरी सप्लाई करके भी हम बहुत अच्छा विगेन से जो एक बेस है वो बिल्टअप कर सकते हैं अपनी एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग प्रोडक्ट को बेच के। मेन क्रॉप्स आर सुगर, कोपरा, केश्यू, कॉटन, टी एंड टोबैको, तो इनको आप इंपोर्ट कर सकते हैं और डेफिनेटली इंडिया में बहुत अच्छा मार्केट बना सकते हैं। 90% लैंड जो है वो अनकल्टिवेटेड है, तो डेफिनेटली अगर आप वहां पे किसी के साथ कोलैबोरेशन करते हैं स्पेसिफिकली वहां के लोकल्स के साथ, तो डेफिनेटली इन फ्यूचर आप बहुत अच्छा प्रोडक्शन लेके वहां से दुनिया के दूसरे कंट्री में भी एक्सपोर्ट कर पाएंगे, दुनिया के दूसरे कंट्रीज में। देन ग्रेट अपॉर्चुनिटीज इन एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड प्रोडक्ट जो मैंने आपको अभी बताया, एंड फिशिंग इंक्लूड्स प्रोन्स, श्रीम जिनका बहुत बड़ा उत्पादन है, जैसे प्रोन्स एंड श्रीम झींगा जो रहता है, यस आपको पता है कि अभी ऑल ओवर द वर्ल्ड ये प्रॉन्स एंड श्रीम का बहुत बड़ा मार्केट है, तो इनका ये बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्टर है। और उसके सामने फॉरेस्टरी प्रोडक्ट, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ी मात्रा में फॉरेस्ट अवेलेबल है, तो फॉरेस्टरी प्रोडक्ट में भी बहुत सारे प्रोडक्ट है जो आप पर्टिकुलरली इंपोर्ट कर सकते हैं या तो डायरेक्टली वहां से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिसमें लकड़ा सबसे मेन प्रोडक्ट है जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है राइट नाउ। चलिए आगे का सेक्टर बात करेंगे, फूड सेक्टर, जिसके अंदर मोजाम्बिक ना वो नेट इंपोर्टर कंट्री है फूड का। तो समझिए प्रिपरेशन के बेस पे बहुत कोई फूड उनके पास अवेलेबल नहीं है, जो भी खाते हैं वो अल्टीमेटली जो पैदा होता है उनका थोड़ा प्रिपरेशन करके, तो अगर प्रीपेड फूड का वहां पे मार्केट चेक किया जाए तो डेफिनेटली मोजाम्बिक इज द वेरी गुड मार्केट फॉर द प्रीपेड फूड। या इंपोर्टिंग 1.4 लाख टन मेज एवरी ईयर, 1.4 लाख टन मेज, 3.9 लाख टन राइस एंड 3.6 लाख टन व्हीट, इतना तो इनका इंपोर्ट है एवरी ईयर। तो आप सोचिए ये फूड सेक्टर के अंदर कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है। और उसी तरह से ये लोग वी कैन से मांस के भी आदि है, वी कैन से नॉनवेज प्रोडक्ट के, तो इंपोर्टिंग लॉट्स ऑफ मीट एंड लाइव स्टॉक फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड कंट्रीज, सो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड सेक्टर टू फोकस, इट इज अ फूड सेक्टर, क्योंकि जैसे जैसे उनका पैटर्न जीने का चेंज हो रहा है, जैसे जैसे उनका पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, डेफिनेटली उनका जो स्वाद है उनका जो टेस्ट है वो भी धीरे धीरे वी कैन से मैच्योर हो रहा है। यस राइट नाउ नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो मैंने आपको अभी बताया बहुत बूम में है, क्योंकि ये अंडर डेवलप कंट्री है और धीरे धीरे डेवलपिंग की तरफ आगे बढ़ रहा है। एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग की जो यूनिट्स है और मशीनरी है ये भी बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से आप उसको सेल कर सकते हैं, क्योंकि ये भी उनका फ्यूचर है। जैसे मैंने आपको बताया पॉपुलेशन एवरी ईयर 9 लाख लोगों की बढ़ रही है, तो आप समझ सकते हैं कि 9 लाख लोगों में से कितने लोग पढ़ते हैं, 56% जो लिटरेसी में आते हैं, बाकी के जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं खेती बाड़ी में जुड़ते हैं और उनको कहीं ना कहीं ये बेसिक्स मशीन की जरूरत होती है। तो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक मशीन आप बेचे, अगर हैंडमेड और हैंड यूजेबल कोई मशीन है, जैसे हमारे खेतर में बहुत यूज होता है जिनमें कोई फ्यूल की यूज नहीं होती है, तो ऐसी मशीनरी का वहां पे बहुत अच्छा मार्केट हो सकता है और डेफिनेटली आप वहां पे उनको अच्छे तरीके से बेच सकते हैं। बेवरेजेस प्रोडक्ट के अंदर अगर हम बात करें तो स्पेसिफिकली टोटल उनका जितना भी बेवरेजेस है वो जनरली इंपोर्ट होता है, इवन वाटर बॉटल भी वहां पे इंपोर्ट हो रही है। तो जो इंडियन स्पेसिफिक बेवरेजेस है जिनके अंदर कुछ ना कुछ स्पेसिफाइड वी कैन से जैसे कि क्या बोलते हैं उसको अच्छे वाले जो पैरामीटर्स है, लाइक आप सब जानते हैं टर्मरिक मिल्क जो हमारे मार्केट में बिकता है, देन आयुर्वेदा ड्रिंक्स जो मार्केट में बिकते हैं, उसके अलावा सब कुछ टॉनिक होते हैं जो प्रोटीन बूस्टर्स होते हैं एटसेट्रा, इनका भी बहुत अच्छा मार्केट है, बिकॉज उनके लिए ये वाला जो जितना भी प्रोडक्ट है ना वो एकदम नया है, वहां पे कोई ऐसे इंडस्ट्री सेटअप नहीं है जो पर्टिकुलरली मिनरल वाटर के अलावा कुछ बनाती हो, तो बहुत कम ऐसी प्रोडक्ट है जो नेचुरली वहां पे तैयार होती है। पर आप सब जानते हैं कि इंडिया के अंदर फूड का अगर हम बात करें तो फूड के अंदर वी आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इनोवेटर्स, कि जो फूड के अंदर कुछ ना कुछ नया बनाते हैं, इतना इनोवेटिव प्रोडक्ट दुनिया में और कोई नहीं बनाता है। और मुझे लगता है हमारे ट्रेडिशन की अगर कोई भी बेसिक प्रोडक्ट भी बेची जाए तो आई डेफिनेटली एंश्योर यू दैट के उनको पसंद आएगी और उसका बहुत अच्छा मार्केट जो है वो मोजाम्बिक बन सकता है। उसके बाद कंज्यूमर गुड्स की अगर हम बात करें तो कंज्यूमर गुड्स के अंदर भी देखिए आप बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जो फैशन के अंदर आती है, जैसे कि मान लीजिए कपड़े हो गए, फिर उसके बाद फैशन ज्वेलरी हो गई। अब देखिए अफ्रीकन कंट्री में ना ओरिजिनल पहनने वाला बहुत कम लोग हैं, मतलब ओरिजिनल गोल्ड, तो आप जानते हैं कि उनका जो पसंद है वो इमिटेशन ज्वेलरी है,
तो इमिटेशन ज्वेलरी भी एक बहुत अच्छा एरिया है जिनके अंदर आप फोकस कर सकते हैं और उनको अच्छे तरीके से बेच के मार्केट बना सकते हैं, क्योंकि वो लोग भी फैशन में बिलीव करते हैं। जैसे जैसे उनका इनकम बढ़ रहा है, दे आर स्पेंडिंग ऑन द फैशन ऑल्सो। तो मैंने आपको बताया कि इनके दो बड़े सिटीज है जिनका टोटल पॉपुलेशन 17 लाख से ऊपर है। तो आप समझिए 17 लाख का पॉपुलेशन, इट इज नॉट अ स्मॉल पॉपुलेशन। वी हैव अ लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी इन दैट पर्टिकुलर सिटीज कि जिनके अंदर जो पॉपुलेशन रहती है वो कहीं ना कहीं थोड़ी एडवांस है और जो कंज्यूमर गुड्स पे जो फोकस है उनका रहता है, माने कि एसेसरीज के बेस पे या तो जो भी सुशोभन की प्रोडक्ट है उनके बेस पे। यस, चलिए अब हम बात करते हैं चाइनाज एक्सपोर्ट एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया। अब ये चीज जो मैंने ली है ना, ये इसलिए बताई है कि देखिए कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिनके अंदर चाइना बहुत ही ज्यादा एक्सपोर्ट अच्छे तरीके से कर रहा है अभी, और उस सेक्टर में हमारा जो रोल है वो बहुत कम है। अब देखिए मैं जो आपको यहाँ पे बता रहा हूँ उसमें सबसे पहले 84 एंड 85 नंबर का चैप्टर देखिए। 84 नंबर के चैप्टर में मशीनरी है जिसका चाइना 1028 करोड़ का एक्सपोर्ट उन्होंने किया 2019 में, जिनके अंदर पॉजिटिव ग्रोथ है देखिए सब में, तो 12% का उनको पॉजिटिव ग्रोथ मिला था अगले ईयर से। जबकि अगर 2019 की हम बात करें तो हमारा टोटल एक्सपोर्ट है 184 करोड़ का। तो इसका मतलब ये निकलता है कि कहीं ना कहीं हम ये वाला जो सेक्टर है ना इसको फोकस अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सेकेंडली आप देखिए 907 करोड़ का टोटल एक्सपोर्ट है इनका 85 नंबर के चैप्टर का इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट का, इलेक्ट्रिकल मशीनरी का, जबकि हमारा एक्सपोर्ट 89 करोड़ का है। तो हमारे पास बहुत गुड्स अपॉर्चुनिटी है। इसका मतलब देखिए इतना सारा प्रोडक्ट यहाँ पे बिक तो रहा है, ये सारा प्रोडक्ट वहां पे कोई परचेज तो कर रहा है, तो जब वो 907 करोड़ की मशीनरी बेच सकते हैं तो हम 89 से आगे क्यों नहीं बढ़ सकते क्या? सो दिस इज व्हाट द वी कैन से, ये सोचने जैसा पैरामीटर है कि इतना अच्छा मार्केट है तो इसको अगर हम अच्छे से टैप करेंगे तो डेफिनेटली हम इसके साथ मूव हो पाएंगे। आगे आप नीचे आए, आयन अगर स्टील की बात करें, आर्टिकल्स ऑफ द आयन स्टील की बात करें, फिर ऑप्टिकल एंड फोटोग्राफिक मटेरियल्स की बात करें, चेकिंग प्रिसीजन मटेरियल की जो बात करते हैं जो कांटे बनते हैं वजन के लिए वगैरह, रबर एंड आर्टिकल की बात करें, आप देखिए रबर एंड आर्टिकल में अकेले चाइना का एक्सपोर्ट 180 करोड़ है जबकि हमारा 51 करोड़। अभी ये सारा जो एक्सपोर्ट है ना उसमें सबसे बड़ा एक्सपोर्ट चाइनीज टायर का है। तो उसी तरह से आज हमारी कंपनी अभी बहुत अच्छे टायर्स बनाती है, जैसे मान लीजिए कि अपना ये सियाट हो गया। तो अल्टीमेटली ऐसी बहुत कंपनियां भी है जो टायर जो उनको फिर से एक बार उसको वी कैन से रिजुवेनाइल करती है, उसको तैयार करती है, फिर से रिफर्बिश करती है, और ऐसी प्रोडक्ट को ना हम वहां पे इजीली एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो इसका भी बहुत अच्छा मार्केट है रिफर्बिश प्रोडक्ट का, जो भी प्रोडक्ट रिफर्बिश हो रही है उनके लिए। देखिए ये जो सेक्टर है ना ये मेजर सेक्टर है जिनके अंदर हमने बात की मशीनरी वगैरह सब, तो शायद हो सकता है कि चलिए इसके अंदर हमारा रीच ना हो, लेकिन अभी जो मैं डेटा आपको बता रहा हूँ आप इसको फोकस करें। ये वाला सारा ऐसा प्रोडक्ट है जिनके अंदर रीच की जरूरत नहीं है, सिंपल आप अपने आजू बाजू में भी फोकस करेंगे तो आपको ये मटेरियल आराम से मिलेगा। अब देखिए जितने भी मैंने प्रोडक्ट यहाँ पे लिए उसमें तकरीबन जो ग्रोथ है ना वो बेहतरीन है। अब पहले पार्ट देखिए, टूल्स एंड इम्प्लीमेंट जो होते हैं, कटलरी स्पून फॉक्स एंड बेस मेटल जो आपके किचन में यूज होते हैं। आप सोचिए ऐसी प्रोडक्ट का चाइना 124 करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहा है जबकि इंडिया से वो 5 करोड़ का एक्सपोर्ट हो रहा है। भाई साहब 124 करोड़, ये कितना टाइम हुआ आपसे? आप देखिए काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज वी कैन फोकस ऑन दिस प्रोडक्ट बाय डूइंग सिंपल दिस काइंड ऑफ द कैलकुलेशन, सिंपल। सो अगर इस तरह का कैलकुलेशन हम फोकस करता है तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली हम मोजाम्बिक क्या दुनिया की किसी भी कंट्री के अंदर बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। नीचे आइए फर्नीचर के अंदर, आप देखिए बेडिंग मैट्रेसेस एंड मैट्रेस सपोर्ट कुशन, ये तो सब हम समझिए मतलब इतने लोग इस बिजनेस के अंदर है लोकल में कि आप बात छोड़ दीजिए। अब उनका 116 करोड़ का एक्सपोर्ट है जबकि हमारा 6 करोड़ का, तो क्या हम ये सस्ता नहीं बना रहे? एक डेटा के हिसाब से तो इंडिया के अंदर जो भी प्रोडक्ट तैयार हो रहा है स्पेसिफिकली फर्नीचर के अंदर वो तो चाइना से भी सस्ता बन रहा है, तो प्रॉब्लम कहां पे आ रहा है? प्रॉब्लम एक्चुअली है ही नहीं, प्रॉब्लम ये है कि हमारा फोकस कंट्री के ऊपर नहीं है। आप नीचे आइए फुटवियर, जिनका भी आगरा के अंदर इतना बड़ा मार्केट और इतना सस्ता कि आपको शूज भी 150 रुपए में मिल जाए। भैया ऐसे प्रोडक्ट की तो वहां पे मार्केट में डिमांड है। देखिए उनका 108 करोड़ का एक्सपोर्ट जबकि हमारा 49 करोड़ का एक्सपोर्ट, तकरीबन डबल है। आप नीचे आइए आर्टिकल ऑफ द अपैरल एंड क्लोथिंग, 56 करोड़ का एक्सपोर्ट है जबकि हमारा 9 करोड़ का एक्सपोर्ट। उसके अलावा अपैरल एंड क्लोथिंग के अंदर देखिए नीटेड एंड क्रोचेटेड जो पर्टिकुलर नॉट नीटेड नीटेड एंड क्रोचेटेड जो तैयार आते हैं डायरेक्टली 53 करोड़ का हमारा 7 करोड़ का। अगर ग्लास एंड ग्लासवेयर में देखें तो उनका 45 करोड़ का हमारा 25 करोड़ का,
और सबसे बड़ा वुडन आर्टिकल, वुड चारकोल, आप देखिए 44 करोड़ का उनका एक्सपोर्ट है वुडन मटेरियल का, और हमारा 1 करोड़ का। तो दीज आर द सेक्टर के जिसके अंदर इतने बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज है कि जिनको अगर आप फोकस करें और धीरे धीरे उनके अंदर आगे बढ़ते जाएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये रातों रात का बिजनेस है, ओवरनाइट आप कर देंगे, नहीं, टाइम लगेगा, डेफिनेटली टाइम लगेगा, बट आपको ये सस्टेन रिजल्ट देगा, क्योंकि फ्यूचर के अंदर वापिस मैं बता रहा हूं ये कंट्री डेफिनेटली वन ऑफ द बिगेस्ट, वी कैन से रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ये जो फ्यूचर के अंदर बनेगा। तो आप समझिए जैसे जैसे वो उस तरफ आगे बढ़ता जा रहा है, डेफिनेटली हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज जो है ना वो धीरे 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 खुल रही है। यस, चलिए आगे आते हैं। इंडियाज इंपोर्ट, हम 5,911 करोड़ का इंपोर्ट कर रहे हैं आज मोजाम्बिक से। कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो फोकस है? देखिए इसके अंदर पहला तो एडिबल वेजिटेबल, क्योंकि वहां पे बहुत सारा वी कैन से खेती बाड़ी प्रोडक्शन है। दूसरा है और स्लेग्स एंड एश, क्योंकि वहां पे उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत है, तो ये सब खनिज तत्व है, कॉपर एंड आर्टिकल्स जो खनिज में आते हैं, लीड अगेन खनिज में। तो दो चीजें फोकस है, आप देखिए ये जितना भी मैंने ग्रीन किया है उसके हिसाब से ये समझ में आता है कि इसका पॉजिटिव ग्रोथ क्यों मिला है। एक तो खनिज जो वहां के लैंड के अंदर बहुत भरपूर मात्रा है, एब्यूरेंट सोर्स, एंड सेकेंड खेती बाड़ी, मैंने जो आपको बताया फार्मिंग लैंड, क्योंकि ओपन फार्मिंग लैंड है तो जितना वो उगाएंगे उतना उगेगा, और एब्यूरेंट वाटर अवेलेबल इन नियर अबाउट सोर्सेज, तकरीबन समझिए 12 तो पेरेनियल रिवर है पूरे कंट्री में, 12 से ज्यादा, जिनके अंदर 12 मास पानी रहता है, मतलब 12 मंथ। सो वी कैन सिंपली अंडरस्टैंड दैट कि ये कंट्री के अंदर जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट है ना ये बहुत बेहतरीन तरीके से आगे होगा, और इसीलिए वहां से सबसे ज्यादा जो चीजें इंपोर्ट हो रही है इसमें केश्यू और सुगर रिगार्डिंग, जो सुगर केन जो रिगार्डिंग प्रोडक्ट है वो है। तो इसको आप इंडिया के अंदर इंपोर्ट करके भी यहाँ पर अच्छा खासा मार्केट तैयार कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी बहुत सारी प्रोडक्ट के लिए उनके साथ एमओयू भी साइन किए हुए हैं। यस, तो मेनली अभी के लिए ये दोनों प्रोडक्ट, दोनों कैटेगरी ऐसी है जिनके अंदर आप इंपोर्ट के अंदर फोकस कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेल्पफुल बॉडीज फॉर द बायलेटरल ट्रेड, जब हम बात कर रहे हैं मोजाम्बिक के साथ तो आपको कौन सी ऐसी बॉडी होगी जो पर्टिकुलरली आपके बिजनेस को ग्रो करने के अंदर हेल्पफुल होगी, जिसमें सबसे पहला है, इसके अलावा तो और कोई बॉडी हो ही नहीं सकती जो सबसे ज्यादा हेल्पफुल हो, इट इज द इंडियन एम्बेसी इन मोजाम्बिक जो मापुटो सिटी के अंदर है। तो ये इनके प्राइम मिनिस्टर है जो लास्ट ईयर यहाँ पे आए थे उनकी विजिट में, और उसके बाजू में मैंने आपको पूरा डिटेल दिया है कहाँ उसका चांसेरी जो उनका कमीशन का ऑफिस है, उनका एड्रेस, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर एंड ईमेल एड्रेस, यू कैन जस्ट डायरेक्टली कनेक्ट टू देम एंड आपकी जो भी रिक्वायरमेंट हो आप इससे डिस्कस कर सकते हैं और यू कैन मूव फर्दर इजीली। या तो अगर कोई बोलता है कि मेरा तो कोई सगा है ही नहीं मोजाम्बिक में, मैं किससे बात करूंगा, तो भैया इनसे बड़ा सगा आपका कोई हो नहीं सकता, क्योंकि इंडियन एम्बेसी हमारा सबसे बड़ा रिलेटिव है जो आपको तकरीबन हर सेक्टर में यूज होगा, क्योंकि इंडियन एम्बेसी का काम खाली वीजा देखने का ही नहीं है, उनका मेन काम बिलेटरल ट्रेड को फोकस करना है, बायलेटरल ट्रेड कैसे बढ़े ये बात को फोकस करके उसके अंदर काम करना है। यस, तो डेफिनेटली कॉन्टेक्ट करें, इनको मेल करें, एंड यू विल गेट लॉट्स ऑफ असिस्टेंस फ्रॉम अवर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स सिचुएटेड वी कैन से सेटल्ड इन दैर कंट्री। चलिए इन अगर हम थोड़ा इसके अंदर डिटेल में बात करें तो 2017-18 और 18-19 का हमारा बायलेटरल ग्रोथ देखे तो तकरीबन 14,000 करोड़ के आजू बाजू हमने बिजनेस किया है बायलेटरल में। इंडिया का सपोर्ट जो मोजाम्बिक को मिला है बिलेटरल रिलेशंस, बायलेटरल रिलेशनशिप के अंदर, उसके थ्रू मोस्ट ऑफ दिस असिस्टेंस जो है वो एक्सिम बैंक के थ्रू इंडिया ने लाइंस ऑफ क्रेडिट के थ्रू दिया है। अब देखिए एक्सिम बैंक लाइन ऑफ क्रेडिट के थ्रू आपको क्या बेनिफिट देते हैं, अगर आपको मोजाम्बिक में कोई फैक्ट्री इंस्टॉल्ड करनी है तो ये फैक्ट्री को इंस्टॉल करने के लिए आप पर्टिकुलरली एक लोन ले सकते हैं एक्सिम बैंक के थ्रू, जिसके अंदर एक्सिम बैंक आपको जो लोन दे रहा है वो बहुत सस्ते ब्याज दर में दे रहा है, और उनका पूरा लाइन सेटअप जब तक नहीं हो जाता तब तक का सारा खर्चा एक्सिम बैंक करेंगे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की ये ऐसी बैंक है जो पर्टिकुलरली एक्सपोर्ट को फोकस करने के लिए जो बिजनेसमैन है उनको लोन प्रोवाइड करती है सामने वाले कंट्री में किसी भी फैक्ट्री का वी कैन से डेवलपमेंट करने के लिए। अब देखिए मैं जानता हूं कि डायरेक्टली फैक्ट्री आप इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे, लेकिन वहां का अगर कोई लोकल बंदा आपके साथ जुड़ता है तो मुझे लगता है ये इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं है। अगर वहां के किसी लोकल के साथ, लोकल कंपनी के साथ अगर आप कोलाबरेशन करते हैं और वहां पे कोई छोटा यूनिट भी लगाते हैं, मैंने ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत बड़ा एकर में जमीन लेके लगाइए, छोटा यूनिट भी लगाते हैं तो मुझे लगता है कि इट विल बी मोर बेनिफिशियल टू यू
for the future growth and upcoming jo opportunities hai uske liye. The number of Indian scholarship available for Mozambique students, ek to ye bhi bahut bada fayda hum unko de rahe hai ki every year undergraduate or post graduation ke liye bahut sare students yahan pe aate hai jinko hum regular basis par scholarship ka benefit dete hai. To ye jitne bhi student yahan se padh ke wapas jate hai na, wo kahin na kahin hamare liye ek trade agent ho jate hai, ya to fir hamare liye wo ek we can say ambassador ho jate hai, jo ki hamari jo cheeze hai unko wahan pe leke jayenge aur uska ek market jo develop kar sakte hai. So we have a very good opportunity to talk with those kind of the students who Mozambique se aaj yahan pe study kar rahe hain. Then in 2014 two Indian public sector companies ONGC Videsh and Oil India, in logo ne 20% stake liya tha ek area ke andar jisme $5 billion ka total unhone investment kiya tha aur jinke through aaj dheere dheere karke wo oil and gas ke andar research kar rahe hain aur uske through hamara business jo hai wo unke sath bilateral trade jo hai wo aage badha rahe hain. तो ये ऐसी दो गवर्नमेंट कंपनी है जो आज मोजाम्बिक के अंदर डिगिंग का काम कर रही है और उनके थ्रू नया नया जो भी मतलब गैस और जो ऑयल का सप्लीमेंट है उनके ऊपर फोकस कर रहे हैं. देन अदर इंडियन कंपनीज जैसे कि JSPL हो गया, JSW, कोल इंडिया, टाटा स्टील, SR, मिडवेस्ट अफ्रीका, इनका भी फोकस है वहां की कोल माइनिंग पे. अब देखिये मोजाम्बिक जो है ना वो कोल के लिए बहुत ही अच्छा रिसोर्सेस है, तो बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है कोल के लिए और इसी की बदौलत आज मोजाम्बिक पूरी दुनिया के अंदर कॉल का सप्लीमेंट करने में टॉप 10 कंट्रीज में से. तो इसका एक अच्छा अपॉर्चुनिटीज है और इसीलिए बहुत सारी कंपनियां जो है वो आज लाइनअप है स्पेसिफिकली मोजाम्बिक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए. द SR ग्रुप जिन्होंने पर्टिकुलरली बेरा पोर्ट पे ना पूरा का पूरा एक कोल टर्मिनल डेवलपमेंट करने के लिए पूरा अपना पार्टनरशिप दिखाया है और उसके अलावा कुछ ऐसी कंपनियां जैसे कि प्योर डायट्स हो गया, फिर राजा राम बापू हो गया, देन HK जलन ग्रुप है, एशियन टी है, ये जितने भी अलग अलग वी कैन से कंपनियां हैं इन लोगों ने भी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चरल कॉमोडिटीज को डेवलप करने के लिए और कमर्शियल ले जाने के लिए भी उनके साथ कोलैबोरेशन करना चालू किया. यस, सो दिस इज व्हाट द फ्यूचर ऑफ इंडिया विद रिस्पेक्ट टू द वी कैन से जो खनिज तत्व जो हमको वहां से मिल रहे हैं उनके लिए और दूसरा जो है वो है फूड प्रोडक्ट के लिए. देन देयर इज इंक्रीजिंग इंटरेस्ट बाय इंडियन कंपनीज इन इन्वेस्टिंग इन न्यूअर सेक्टर इन मोजाम्बिक. बहुत सारे ऐसी नई कंपनियां भी है जिनको बहुत अच्छा वी कैन से इंटरेस्ट है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है मोजाम्बिक के अंदर हेल्थ केयर सेक्टर में, एजुकेशन में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, फार्मास्यूटिकल के अंदर जो एक्सपोर्ट है उनके अंदर सॉरी जो इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर आगे बढ़ने के लिए. तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे लिए फ्यूचर में बेनिफिट जरूर से देगा. ये जो PPT मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये PPT का लिंक मैंने लास्ट में रखा हुआ है, तो अगर किसी को PPT चाहिए होगी तो डेफिनेटली आपको PPT मिलेगी. सो जो लोग अभी मान लीजिए लेफ्ट हो रहे हैं तो प्लीज आप थोड़ा ये देख के चलिए कि PPT आपको किस तरह से मिलेगी. यस, चलिए. देर आर रेगुलर एक्सचेंजेस बिटवीन द मोजाम्बिकन एंड इंडियन चैम्बर्स ऑफ इंडस्ट्री विच टेक पार्ट इन ट्रेड फेयर्स एंड कमर्शियल इवेंट. तो ये ऐसा दिया गया है कि मोजाम्बिकन और जो इंडियन चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री वहां पे और यहाँ पे सेट है उनके बीच में रेगुलर बेस पे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होती रहती है और इसलिए वो लोग कंटिन्यूअसली अलग अलग ट्रेड फेयर एंड कमर्शियल इवेंट्स के अंदर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी करते हैं. तो अल्टीमेटली उसमें पार्टिसिपेशन करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो वहां पहुंचेगा और उनका प्रोडक्ट यहाँ पे पहुंचेगा. तो अगर ऐसे अलग अलग इवेंट पे आपका फोकस रहता है तो मुझे लगता है कि उसके लिए और कुछ एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है. अगर कुछ पर्टिकुलर चीजों पर फोकस करेंगे तो उसके अंदर से भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है. यस, नाउ इंडो अफ्रीकन चैम्बर. अब मैं कुछ ऐसी कुछ बॉडीज आपको दिखा रहा हूँ जिनके थ्रू आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन को गेदर कर पाएंगे, जिसमें एक है इंडो अफ्रीकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स. अब देखिए इंडो अफ्रीकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ये बायलेटरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स है जो दो कंट्री के बीच में होती है. तो ऐसी हमारी बहुत कंट्री के साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स है. ठीक है, ये क्या असिस्टेंस आपको दे सकते हैं अगर आप इसके मेंबर है तो मोजाम्बिक में बिजनेस करने के लिए क्या एटमोस्फियर है, मोजाम्बिक के अंदर आपको कौन सी पार्टियां हेल्पफुल हो सकती है, उनके जितने भी बायर्स है उनकी डिटेल्स, एंड उसके अलावा इसके रिगार्डिंग जितनी भी आपको असिस्टेंस चाहिए वो सारी असिस्टेंस आपको इंडो अफ्रीकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से दी जाएगी. आई एम टेलिंग यू, लास्ट वाइब्रेंट गुजरात जब गुजरात में हुआ था तो उस वक्त टोटल अफ्रीकन कंट्री में से 34 कंट्रीज यहाँ पे प्रेजेंट थे 54 में से. तो उसके अंदर जो मेन बॉडी उनकी है वो इंडो अफ्रीकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का पूरा एक डॉम अवेलेबल था जिनके साथ हमारा बहुत अच्छा इंटरेक्शन हुआ और हमने बहुत बार इन लोगों के साथ बातचीत भी की है. दे आर टू मच सपोर्टिव. अगर आप अफ्रीकन कंट्री में एक्सपोर्ट डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप उसको फोकस कर सकते हैं और इनकी मेंबरशिप के थ्रू आप उनके साथ आगे बातचीत करके अच्छा सा बिजनेस भी डेवलप कर सकते हैं.
सेकेंड बॉडी है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। आप सब जानते हैं सीआईआई का काम ही यही है कि दुनिया भर के अंदर जो प्रोडक्ट जो इंडियन प्रोडक्ट है उसके लिए मार्केट को सर्वे करना और उसके अलावा लोकल प्रोडक्ट को भी इस तरह से नर्चर करना कि जिससे वो दुनिया भर में पहुंच सके। तो उनके भी बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेज होते हैं जिनको आप अटेंड कर सकते हैं स्पेसिफिकली अफ्रीकन कंट्रीज के लिए। देन इंडिया अफ्रीका प्रोजेक्ट पार्टनरशिप, जिसके अंदर ये एक बहुत बेहतरीन एरिया है इंडिया अफ्रीका प्रोजेक्ट पार्टनरशिप। ऐसे बहुत सारे अलग अलग एरियाज है जिनके अंदर इंडिया और अफ्रीका का प्रोजेक्ट पार्टनरशिप अभी डेवलपमेंट में है। तो ऐसे बहुत प्रोजेक्ट भी है जिनके अंदर आपको आप समझिए कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट जब सेटअप करना होता है ना तो उसके अंदर छोटी छोटी चीजों की लागत होती है। ऐसा नहीं है कि बड़ी कंपनियां बड़ा प्रोजेक्ट सेटअप कर रही है तो उनको उनका जितना भी प्रोडक्ट है वो सारा का सारा वो खुद सप्लीमेंट करेंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मारुति की मान लीजिए कोई कार तैयार होती है तो ये जो कार बन रही है ना उसके अंदर जितने भी पार्ट्स है ना वो क्लबिंग होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मारुति हर एक चीज को अपनी फैक्ट्री में बनाती है, फैक्ट्री के अंदर तो उनका क्लबिंग होता है। इंजन जो है वो फियाट का है, मान लीजिए कि उनके जो वाइपर बन के आ रहे हैं वो बॉश बना रहा है, उनकी टेल लाइट जो है उसके ऊपर आप देखेंगे तो कोई और कंपनी का नाम होगा, उनके जो विंडशील्ड है उस पर आप देखेंगे तो और कंपनी का नाम होगा, उनकी एसेसरीज कोई और बना रहा है, स्टीयरिंग कोई और बना रहा है, उनका म्यूजिक सिस्टम कोई और बना रहा है। तो इसका सीधा मतलब क्या निकलता है कि इट इज द क्लबिंग ऑफ द डिफरेंट कंपनीज। तो जैसे ये बड़े बड़े जब आप प्रोजेक्ट सेटअप होते हैं ना तो उसको भी बेसिक सप्लीमेंट करने के लिए अल्टीमेटली आप आगे आ सकते हैं और अपनी प्रोडक्ट को ना उस मार्केट के अंदर इजीली इन कंपनी के थ्रू भी सेल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा, पर्टिकुलरली इंडिया अफ्रीका प्रोजेक्ट पार्टनरशिप की रिगार्डिंग जो भी प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं उनको स्टडी करने के लिए। देन एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया, जिनकी मैंने आपको बात की कि अगर आप अफ्रीका के अंदर या तो मोजाम्बिक के अंदर कहीं पे भी कुछ सेटअप करना चाहते हैं तो एक्सिम बैंक आपको लोन जो है वो मुहैया करवाती है और उसके अलावा इनका इंटरेस्ट रेट भी बहुत कम होता है क्योंकि लाइन ऑफ चैनल के हिसाब से, लाइन ऑफ क्रेडिट के हिसाब से हमको वहां पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है और इसलिए ये जरूरी है कि हम जो हमारी बैंक है वो हमको उतना असिस्ट करे कि जिससे हम वहां पे आगे जाके फैक्ट्रीज डेवलप कर सके और अपना प्रोडक्शन वहां से वर्ल्ड वाइड भी भेज सके। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, इंडियन बिजनेस काउंसिल इन मोजाम्बिक। यू सी दिस वन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियन बिजनेस काउंसिल इन मोजाम्बिक, जिसके अंदर ऐसे बिजनेसमैन है जो इंडियन है, जो मोजाम्बिक के अंदर ऑलरेडी सिचुएटेड है और जो आपको तकरीबन हर एक सेक्टर के अंदर मिलेंगे जो पर्टिकुलरली आपकी प्रोडक्ट को मोजाम्बिक के अंदर मार्केट करने के लिए हेल्पफुल हो। तो दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट एरिया जिसको फोकस करके आप उन सारे लोगों तक पहुंच सकते हैं जो मोजाम्बिक के अंदर है और इंडियन है जो बिजनेसमैन है। तो उनके बीच में बहुत सारी इवेंट्स भी तैयार होती है, जो इवेंट को आप पार्टिसिपेट करेंगे तो मुझे लगता है कि इसका भी बहुत अच्छा बेनिफिट आप ले पाएंगे। देन आफ्टर कॉम्प्लायंसेज, अब देखिए ये कंट्री के अंदर जब आप माल बेचते हैं तो उसके लिए वो उन लोगों के कॉम्प्लायंसेज क्या है। अब उन लोगों के कॉम्प्लायंसेज माने ऐसे कौन से सर्टिफिकेट्स है जिनकी जरूरत आपको होगी। अब ये अफ्रीकन कंट्रीज है तो ये बहुत इतना विगन से हार्ड नहीं है, फिर भी मैं आपको थोड़ा बेसिक इनका बता देता हूँ। पहले तो इम्पोर्ट लाइसेंस चाहिए होगा उनको जो बंदा पर्टिकुलरली वहां पे इम्पोर्ट कर रहा है आपकी प्रोडक्ट को। तो इम्पोर्ट लाइसेंस के तौर पे उनके वहां NUIT है जो सिंगल आइडेंटिफिकेशन नंबर के तौर पे जाना जाता है जो मोजाम्बिक रेवेन्यू अथॉरिटी उनको जनरेट करके देती है। तो जैसे अपने यहाँ आई कोड की जरूरत पड़ती है वैसे उनके इम्पोर्टर को NUIT की जरूरत होती है। प्री इंस्पेक्शन सर्टिफिकेशन मैंडेटरी है कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट में, जैसे फूड हो गया, फार्मा एंड केमिकल, तो इसका इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट आपको यहाँ से उनको देना होगा तब जाके वो क्लियरेंस करवा पाएंगे। ड्यूटी जो है उनका वराइज है 1 से लेके 25% तक, तो ड्यूटी के अंदर भी आप समझ सकते हैं कि 25% मैक्सिमम है, उससे ऊपर ड्यूटी नहीं है। तो डेफिनेटली हमारे लिए बहुत अच्छा मार्केट है क्योंकि इतना कम ड्यूटी है रेगुलर बेस पे कि जिससे हमारा प्रोडक्ट हम इजीली वहां पर फॉरवर्ड कर सकते हैं और उनको लोकल मार्केट में फोकस करवा सकते हैं, तो उतना महंगा नहीं पड़ेगा उन लोगों को। यस, चलिए, कॉम्प्लायंस मेनली डिपेंड ऑन द इम्पोर्टर्स प्रोफाइल, एंड ये वाला पार्ट आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपको एक प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो कॉम्प्लायंस के लिए आप चिंता मत करिए, आप अपने इम्पोर्टर को पूछिए और उनको ये सारी चीजों की इंफॉर्मेशन दीजिए कि ये प्रोडक्ट अगर आपके कंट्री में आप अगर इम्पोर्ट कर रहे हैं तो उनके लिए कॉम्प्लायंस में आपको क्या चाहिए होगा, ये आप मेरे को बताइए तो मुझे समझ में आएगा कि मुझे कॉम्प्लायंस निकालने या तो आपको निकालना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉम्प्लायंस इज मेनली डिपेंड ऑन द इम्पोर्टर्स प्रोफाइल। जो बंदा इम्पोर्टर्स है आप उनको पूछिए मोजाम्बिक के अंदर, तो वो आपको थरली गाइड करेगा और इसके लिए आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बिकॉज आप ये स्टडी करने बैठेंगे कौन से कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट है तो मेन स्टडी बाकी रहेगा। सो जस्ट डोंट डू दैट, उनको इंपोर्ट करना है तो वो देखेंगे कि कौन से कॉम्प्लायंस चाहिए। यस,
चलिए नेक्स्ट आते हैं ट्रेड एग्रीमेंट। इंडिया के कुछ ट्रेड एग्रीमेंट्स अवेलेबल है, इतने स्पेसिफिक नहीं है लेकिन कुछ ऐसे स्पेसिफिक एग्रीमेंट्स है जिनके थ्रू हम कुछ बेनिफिट ले पाए, जिसमें पहला है मोजाम्बिक साइड बेनिफिट। तो मोजाम्बिक ने इंडिया को मोस्ट फेवर्ड नेशन के अंदर दर्जा दिया है। तो देखिए जब मोजाम्बिक ने इंडिया को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया है तो बहुत ऐसी प्रोडक्ट है जो आप यहां से एक्सपोर्ट करते हैं ना तो वो 0% ड्यूटी में इंपोर्ट होती है मोजाम्बिक में। आई एम रिपीटिंग इट, ये मोजाम्बिक की ओर से इंडिया को दिया हुआ दर्जा है जिसे हम बोलते हैं मोस्ट फेवर्ड नेशन। तो जब आप यहां से प्रोडक्ट को वहां एक्सपोर्ट करते हैं तो वहां के इंपोर्टर को 0% ड्यूटी के अंदर प्रोडक्ट जो है वो इंपोर्ट होती है। और उसी तरह से इंडिया ने भी कुछ जो दर्जे मोजाम्बिक को दिए हैं, तो मोजाम्बिक से जब आप प्रोडक्ट को इंपोर्ट करते हैं इंडिया में तो स्पेसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट के अंडर में आपको स्पेसिफिकली मोस्ट फेवर्ड नेशन के तौर पे भी ये बेनिफिट मोजाम्बिक के एक्सपोर्टर को दे सकते हैं। और उसके अलावा भी हमारा एक ट्रेड एग्रीमेंट है ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंशियल, जिसमें कुछ प्रोडक्ट का लिस्ट है जिन लिस्ट के थ्रू भी अगर वो प्रोडक्ट आप इंपोर्ट करते हैं मोजाम्बिक से तो उसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट ने ड्यूटी जीरो करके रखी हुई या तो कम करके रखी हुई। सो दिस इज व्हाट द काइंड ऑफ बेनिफिट विद रिस्पेक्ट टू द वी कैन से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। उसके अलावा जनरल ट्रेड एग्रीमेंट एक 1982 में बना था लेकिन वो ट्रेड को शार्प करने के लिए बना था। एंड लास्ट जो ट्रेड एग्रीमेंट हमारे बीच हुआ वो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द फील्ड ऑफ ड्रग ट्रैफिकिंग स्पॉट्स एंड ट्रेडिंग ऑफ द पल्सिस। तो जब नरेंद्र मोदी की विजिट हुई थी प्राइम मिनिस्टर की वहां पे इन 2016 तो ये तब मापुटो के अंदर ये अंडरस्टैंडिंग हुई थी हमारी कि जो भी प्रोडक्ट ड्रग ट्रैफिकिंग के अंदर जो भी मतलब जरूरत है उसके लिए स्पॉट्स यानी कि जो भी स्पॉट्स डेवलपमेंट के लिए, स्पॉट्स डेवलपमेंट भी एक बहुत बड़ा एरिया है। आप जानते हैं कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो बैट बनाते हैं ना क्रिकेट का वो इंडिया है सबसे ज्यादा। तो ये सारे कंट्री अफ्रीकन ऐसे हैं जिनको क्रिकेट का और फुटबॉल का चस्का है। तो अब देखिए फुटबॉल और क्रिकेट के रिलेटेड अगर कोई भी प्रोडक्ट को आप वहां पर बेचेंगे डेफिनेटली यू विल गोइंग टू अर्न द मनी। क्या तो उस तरह से स्पोर्ट्स के अंदर और ट्रेडिंग पल्सिस यानी कि अपने जो दाल चना वगैरह सब आते हैं ये पल्सिस के अंदर भी कुछ ट्रेड एग्रीमेंट हमारे तैयार हुए कि भाई जितना प्रोडक्शन होता है वो हम परचेज कर लेंगे और उसके बाद आप किसी और को भेज पाएंगे। सो दिस इज व्हाट द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हैज बीन डेवलप्ड बिटवीन द मोजाम्बिक एंड इंडिया अर्लियर। बाद में आते हैं रिसर्च पेपर पर। अब ये जो टॉपिक है इसके अंदर मैंने दो रिसर्च पेपर यहाँ पे रखे, एक आइबर ग्लोबल का है और दूसरा डूइंग बिजनेस इन मोजाम्बिक है। दोनों इतने बेहतरीन है कि आप इसको बराबर पढ़ेंगे तो यू विल फाइंड आउट लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द मोजाम्बिक एंड ये कंट्री के अंदर डेफिनेटली आप आगे बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। तो स्पेसिफिकली मैंने जो आपको अभी तक बताया वो रिगार्डिंग मोजाम्बिक के अंदर जो मेरी स्टडी है उनके बारे में हमने बात की। अब देखिए मोजाम्बिक के अंदर अगर आप कंप्लीटली फोकस करते हैं तो मुझे लगता है कि एक से ज्यादा सेक्टर के अंदर आप इसमें काम कर पाएंगे और फ्यूचर के अंदर बहुत अच्छे बायलेटरल ट्रेड के थ्रू आप मोजाम्बिक के अंदर वी कैन से अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर पाएंगे। जितना अपॉर्चुनिटीज एक्सपोर्ट का है उतना ही अच्छा अपॉर्चुनिटीज इम्पोर्ट का भी है। तो मुझे लगता है कि इंपोर्ट के अंदर भी फोकस करके हम अच्छा बिजनेस जो डेवलप कर सकते हैं। सो आप देखिए इतना स्मॉल कंट्री जिसकी 3 करोड़ की पॉपुलेशन है, जिनकी जीडीपी को कोई गिनता भी नहीं है और जो अंडर डेवलप कंट्री में आता है वो कंट्री के अंदर इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज इंडिया के लिए है, ये जब आप स्टडी करते हैं ना तब आपको पता चलता है। तो जिस तरह से मैंने आज पहला जो मेरा ये स्पेसिफिकली आइडिया इसी के बेस पे था कि जो लोग टाइम नहीं दे पा रहे स्टडी को और जिनको लगता है कि अगर हमें कोई बिगिन से सीधा खाना मिल जाए तो हम खा ले, तो मुझे लगता है कि इसीलिए शायद मैंने ये वाला डेवलपमेंट करना चालू किया है। अब देखते हैं कितना बेनिफिट आप उसका उठा सकते हैं और किस तरह से फ्यूचर के अंदर अल्टीमेटली आप इसको आगे लेके जा सकते हैं एक्सपोर्ट के तौर पर। यस तो यहाँ पे जो मैंने डिटेल्स आपको दी है ये सारी डिटेल्स पीपीटी के थ्रू आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको आगे इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। इसके पहले जैसे आज का जो सेमिनार है ना उस तरह से अगर और कोई आप वेबिनार तो सेमिनार चेक करना चाहते हैं तो यू कैन फॉलो अस ऑन दी वी कैन से यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम देन ट्विटर एंड ये लिंक्डइन। या तो ये हमारे सब अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पर भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जब आप ये पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो आप यहाँ पे क्लिक भी कर पाएंगे। एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात आपको बता रहा हूं उसको बराबर सुनिएगा, ये वाली पीपीटी अगर आपको डाउनलोड करनी है पूरी की पूरी तो उसके लिए आप यूट्यूब के अंदर जाइएगा और यूट्यूब में जाके आप भारत उड़ान मिशन लिखिएगा। आई एम रिपीटिंग इट, यहाँ पे जो कॉर्नर पे दिया है ना भारत उड़ान मिशन, आप प्लीज इसको राइट डाउन कर ले,
या शायद अगर आप भूल जाएंगे तो यूट्यूब पे जाके आप भारत उड़ान मिशन लिखिए, कल मॉर्निंग तक हमारा जो ये वीडियो है वो अपलोड हो जाएगा। तो ये वीडियो के साथ में ही एक लिंक दी होगी आपको ये पीपीटी डाउनलोड करने के लिए, तो आप वो लिंक यूज करिएगा जिस लिंक का नाम है स्पीकर स्कोर। तो ये स्पीकर स्कोर की जो लिंक है वो यहाँ पे दी जाएगी आपको। तो स्पीकर स्कोर के लिंक को जब आप क्लिक करेंगे तो बेसिक आपका रिव्यू मांगा जाएगा और आपका पीडीएफ पूरा डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। सो जस्ट डोंट वरी, अगेन आई एम रिपीटिंग इट, प्लीज गो टू द यूट्यूब पे जाके भारत उड़ान मिशन सर्च करें और उसमें जाके ये वाला जो वीडियो है एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज इन मोजाम्बिक, इनके थ्रू आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। भारत उड़ान मिशन के लिए ये इन्फॉर्मेशन आपको पीपीटी में दी गई है, तो डेफिनेटली आपको जब वो डाउनलोड करेंगे तो ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अदरवाइज अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज व्हाट द डिटेल्स अबाउट द भारत उड़ान मिशन फ्रॉम अवर साइड। दूसरी बात, हमारा एक फ्री सेमिनार ऑन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट आ रहा है 22 सितंबर को। तो जितने लोग भी आज हमारे साथ जुड़े हैं, अगर वो ये सेमिनार अटेंड करना चाहते हैं, ये बेसिक के ऊपर है, बेसिक के ऊपर फ्री सेमिनार है कि इंडिया से एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के अंदर अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो कौन सी चीजों को फोकस किया जाता है। उसके अंदर बहुत सारे इंपोर्टेंट टॉपिक हमने कवर अप किए हुए हैं, तो डेफिनेटली मैं इसका आपको एक छोटा सा पोस्टर अभी दिखाता हूँ जिससे कि आपको ये ज्यादा पता चलेगा। जस्ट गिव मी द सेकेंड। ओके, सो दिस इज व्हाट द फ्री वेबिनार ऑन द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑन 22 सितंबर। ये पीपीटी में दिया नहीं है लेकिन मैं आपको जनरल इन्फॉर्मेशन के तौर पे बता दे रहा हूँ। तो अगर कोई भी ज्वाइन करना चाहता है तो आप डेफिनेटली हमको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं दोनों से, में से कोई भी नंबर पे, या आप इस नंबर पे संपर्क करें या तो फिर पीपीटी में जो डाउनलोड होगा वहां पर भी मेरा नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है। सो यू कैन डाउनलोड इट एंड यू कैन कनेक्ट अस विद भारत उड़ान मिशन। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। एंड जितना भी रिसर्च मैं कर पाया था इस पर्टिकुलर कंट्री के लिए उतना मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे प्लीज अब पूछ सकते हैं डेफिनेटली। सो आई एम वन सेकेंड, आई एम अनम्यूटिंग ऑल, सो प्लीज डोंट मेक द कैओस। वन बाय वन आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। गुड इवनिंग अमित जी, समीर जैन दिस साइड। आई कांट हियर यू। आप आई यू आर नॉट, योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। हेलो, यस नाउ अमित सर आपका माइक म्यूट है। यस यस यस, तो इंट्रोडक्शन के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है, वी हैव अ 10 टू 15 मिनट ओनली, सो प्लीज डायरेक्टली टॉपिक पे आते हैं, आपका क्वेश्चन पूछिए। अमित जी, वुड इट बी पॉसिबल फॉर वन टू वन इंटरेक्शन, बिकॉज क्वेश्चंस आर क्वाइट अ बिट एंड आई मायसेल्फ इज हेल्पिंग आउट अ फ्यू पीपल फॉर बोट्सवाना, सो वुड इट बी पॉसिबल टू टॉक वन टू वन? डेफिनेटली डेफिनेटली, आप मेरा जो नंबर है 9727444678 मैं अभी चैट के अंदर रख देता हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टेक्ट करिए, वी विल बी इन टॉक इन फ्यूचर। थैंक्स फॉर दिस फैबुलस प्रेजेंटेशन। थैंक यू सो मच। आई एम ऑडिबल टू यू? या या या, थैंक यू वंस अगेन। एंड यू वर मेंशनिंग अबाउट पीपल फ्रॉम गुजरात बाइंग एग्रीकल्चर लैंड एंड द प्रोड्यूस दे आर गेटिंग आउट ऑफ इट इज दे आर एक्सपोर्टिंग। या so an idea struck to me, what about the real estate sector in there? We talked about import and export. Okay. So real estate is also a very big sector.
बिल्कुल बिल्कुल इफ एग्रीकल्चरल कंट्री लाइक इंडिया इफ यू टॉक अबाउट द सेकंड लार्जेस्ट सेक्टर इज रियल एस्टेट विद 420 डिफरेंट manufacturing units associated with it. Yeah. So what about the opportunities of real estate in Mozambique? आपने जो question पूछा है ना वो थोड़ा specific है. अब investment जब आप real estate के अंदर बात कर रहे हैं तो इसके अंदर दो तरह का investment मैं सोचता हूँ कि हो सकता है. एक तो आप अपनी company वहाँ पे open करें जो अपने behalf में वहाँ पे कोई infrastructural development करे और उसको बेचे. और दूसरा इसके अंदर अच्छा ऑप्शन ये हो सकता है कि वहाँ की जो लोकल कंपनी है उनके साथ आप कोलाबरेट करें और वहां पे जो भी कमर्शियल या तो जो भी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट बनाते हैं उनको आप देख सकते हैं. तो मेरे ख्याल से मोजाम्बिक के अंदर पिछले 7-8 सालों से पोर्टुगीज का बहुत ही बड़ा माइग्रेंट हो रहा है, अभी माइग्रेशन हो रहा है और इन फ्यूचर मोजाम्बिक विल बी द वी कैन से श्योरली कैपेबल कंट्री कि जिसके अंदर बहुत सारे कंट्रीज सॉरी अलग अलग एरियाज के लोग जो है वहां पे आके बसेंगे क्योंकि इनके पास अपॉर्चुनिटी भी बहुत अच्छी है और इन फ्यूचर इस कंट्री के पास जो वी कैन से गैस एंड रिजर्व्स है ना वो भी बहुत अच्छे है. तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये फील्ड के अंदर कंस्ट्रक्शन फील्ड के अंदर अपॉर्चुनिटीज अच्छी है लेकिन स्पेसिफिकली उनके लिए थोड़ा स्टडी करके आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा जिसके लिए आपको इंडियन एम्बेसी सबसे ज्यादा हेल्पफुल होगी और दूसरी अपनी जो इंडियन कम्युनिटी वहां पे लोकल में है आप उनको भी कांटेक्ट कर सकते हैं जिनको मैंने ऑलरेडी स्लाइड के अंदर लास्ट में दिया हुआ था रिसोर्सेस में. ओके थैंक यू आई विल बी कनेक्टिंग विद यू वन टू वन एज़ वेल. या श्योर थैंक यू सो मच. हेलो सर. हेलो प्लीज. हेलो हेलो सर. एक्चुअली राइट नाउ हेलो ओके फ्रॉम माई साइड डू वन थिंग जो लोग मुझे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं आप मेरा नंबर जो है ना उससे मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करिए क्योंकि राइट नाउ 202 पार्टिसिपेंट्स अवेलेबल. मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम सबको अलाउ करते हैं अनम्यूट करने के लिए तो केओस विल बी देयर एंड इससे सबको कुछ सुनने को भी नहीं मिलेगा और पर्टिकुलर क्वेश्चन भी जो है उसको आंसर नहीं कर पाएंगे. तो अभी के लिए हम ऐसा काम करते हैं आप अपना जो हैंड है ना वो रेज करिए स्क्रीन के थ्रू मतलब आपके ऑप्शन में अवेलेबल है वहां पे अगर आप मोबाइल से देख रहे हैं तो नीचे रेज हैंड का ऑप्शन दिया है आप उससे रेज करिए हैंड मैं आपको यहाँ से अनम्यूट करता हूँ प्लीज. या तो मैं वन बाय वन कर रहा हूँ कुछ लोगों को हम लेते हैं उसके बाद बाकी के लोग मुझे प्लीज पर्सनली कॉन्टेक्ट करें. मेघा पटेल इट इज ऑलरेडी गिवन इन द चैट बॉक्स 972 फ्रॉम दी पीपीटी सो डोंट वरी. ओके सो प्लीज डू द म्यूट योर सेल्फ. हार्दिक बादानी. हार्दिक भाई यस सर. हेलो सर. I was thinking about which websites can help me to find buyers in Mozambique. Like buyer के लिए ना कोई website नहीं होती है. पहली बात तो आप ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए. अगर buyer के लिए website होता तो भैया दुनिया के अंदर सब ना buyer website से ही ढूंढ लेते. तो ऐसा कुछ है ही नहीं है. ये खेल ही गलत है. सबसे पहली बात ये है कि अगर आपकी product उस market के लिए appropriate है तो आप सीधा social media platform पे जाइए और बेहतरीन तरीके से maximum marketing कीजिए. बायर्स यहाँ से सामने से आएंगे जस्ट डोंट राइट. बाकी बायर कहीं पे बैठे नहीं होते जो राह देख के बैठे कि कोई आके कांटेक्ट करे और मैं प्रोडक्ट को परचेज करूं. ये पूरा मीथ है. यस आपको जब जरूरत होती है तो आप कुछ चीजें बाय करने के लिए जाते हैं. जब जरूरत ही नहीं है तो आप वो बाय नहीं करेंगे अगर सामने वाला कितना भी आपको प्रपोज करे. सो जस्ट डोंट वरी. बायर जो है ना वो उसके लिए बहुत अलग अलग रास्ते हैं जिनके थ्रू आप आगे जा सकते हैं. सो मैंने जो रास्ते बताए उसमें भी अगर आप इंडियन कम्युनिटी को तो कांटेक्ट करते हैं ना तो दे आर आल्सो काइंड ऑफ ट्रेड एजेंट जो आपको बायर तक पहुंचाएंगे. प्लीज म्यूट योरसेल्फ सो हम दूसरे का क्वेश्चन ले सकते हैं. अनमोल जंगम जी. अनमोल जी या मैंने म्यूट किया है. हेलो यस प्लीज. हेलो आवाज आ रहा है इसमें आपको. यस यस बोलिए.
सर अगर हमको एक्सपोर्ट करना है उस सिटी में तो उधर की गवर्नमेंट में रजिस्टर करना पड़ता है हमारी कंपनी को? बिल्कुल रजिस्टर नहीं करना पड़ता है। देखिए अगर आप कहीं पे भी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको कहीं पे रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, चाइना से प्रोडक्ट आप इंपोर्ट करते हैं तो चाइनीज कंपनी को रजिस्टर करना होता है इंडिया में, नहीं ना? नहीं नहीं तो वो बात नहीं है सर। हेलो ओके, गाना की रिक्वायरमेंट के बीच में मुझे तो वो बोल रही थी उधर गाना में आंसर। यू सी, पहली बात तो ये कि अफ्रीकन कंट्री में अगर आप कहीं पे भी काम कर रहे हैं ना तो हमेशा याद रखिए कि कहीं ना कहीं थोड़े फ्रॉड के चांसेस भी है। तो ये जो आपको आपने मेरे को बताया ना कि रजिस्ट्रेशन मांगा है, आप उनसे ये बोलिए कि सर आप मेरे बिहाफ में ना अभी के लिए रजिस्टर्ड कर दीजिए, मेरा जो मुनाफा होगा ना आप उसमें से पैसा काट ले। रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत खाली उसी प्रोडक्ट में है जिनके अंदर लायबिलिटी के बेस पे आपको पहले से इन्फॉर्म किया जाता है गवर्नमेंट की ओर से, जैसे कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। ये लायबिलिटी में आती है कि ये जब कोई ओरली लेता है और आगे जाके मान लीजिए कि अगर वो डेथ हो गया उनका तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर आएगा, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है। अदर देन दैट मैं नहीं मानता हूं कि कोई भी प्रोडक्ट के लिए रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है। जस्ट डोंट वरी। या यस सर, क्लियर सर, ओके। मयूर भाई ठक्कर, मयूर ठक्कर प्लीज। हाँ जी, कंस्ट्रक्शन मटेरियल में फाइबर ग्लास और रीन एफआरपी और जीआरपी मैनहोल कवर और गली कवर, यस, व्हिच इज एन अल्टरनेट ऑफ आरसीसी एंड मेटल कवर्स, या तो अगर उसके मैं ऊपर आपको गाइडेंस दे पाए। अच्छा, प्रोडक्ट के बेस पे गाइडेंस जो है ना वो थोड़ा डिफिकल्ट है। मेरा थोड़ा मैं प्रोफाइल आपको दे दूं कि हमारा काम जो है ना वो मेडिकल सर्जिकल जो प्रोडक्ट है डिस्पोजेबल उनको एक्सपोर्ट करना है, ठीक है? तो मेरा पूरा सेक्टर जो है ना वो मेडिकल सेक्टर है, उसके अलावा वी हैव स्टार्टेड विद द वी कैन से बेवरेजेस प्रोडक्ट रिसेंटली। तो अगर आप मुझे स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बारे में पूछेंगे ना तो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी, नॉट फॉर मी ओनली, दुनिया का कोई भी एक्सपोर्टर होगा तो उसके लिए भी क्वाइट डिफिकल्ट होगा क्योंकि उनका वो प्रोडक्ट के अंदर एक्सपोर्ट के अंदर एक्सपीरियंस नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक एचएस कोड पे फोकस करके उनके बारे में डिटेल निकालनी है तो प्लीज आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेटा बैंक पे जाइए और कंट्री वाइज डेटा के हिसाब से आपके एचएस कोड का टोटल एक्सपोर्ट इन दैट कंट्री देखिए। आई एम टेलिंग यू श्योरली यू विल गेट द आइडिया बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल मयूर भाई, और वी कैन से इट इज नॉट इजी to give you the idea about those materials jinke sath main kaam nahi kar raha. Yeah, okay, thank you. Now I got your answer. And just one more thing, imitation jewelry, okay. Uske bare mein agar thoda bata sakte ho detail mein to African countries. Same imitation jewelry jo hai na wo African countries mein India se sabse zyada export hota hai, sabse zyada. Ab baat ye hai ki jo aap bhej rahe hai na uska choice un logo ke market mein kaisa hai. Ab dekhiye, okay. Kuch logo ko heavy jewelry chahiye तो कुछ लोग बहुत सिंपल ज्वेलरी पहनते हैं, तो अब उन मार्केट का जो स्टडी है उसके हिसाब से, तो ये सिंपल है। देखिए उनके B2C जाइए, मोजाम्बिक का अगर कोई B2C है तो उनको चेक करिए, वहां पे आप ज्वेलरी डालिए, आपको समझ में आएगा कि उन लोगों की ज्वेलरी का टेस्ट कैसा है। आप वहां की B2B में जाइए, वहां पे चेक करिए, आपको ज्वेलरी का टेस्ट समझ में आएगा। आप फेसबुक पे जाइए, मोजाम्बिक लिखिए, उनके बहुत सारे ग्रुप आएंगे ज्वेलरी रिगार्डिंग, तो आपको ये टेस्ट समझ में आएगा। दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ द वेज टू चेकिंग वी कैन से प्रोडक्ट इंटरेस्ट ऑफ द ऑफ दोस पर्टिकुलर पीपल, या सो दिस टू द वे इज टू फाइंड आउट द डिफरेंट काइंड ऑफ द इंटरेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम। प्राची अग्रवाल प्लीज आपका क्वेश्चन पूछिए। नमस्ते सर, सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अपन ने कोई पर्टिकुलर HSN कोड पे जो हम एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं उसमें चाइना में जैसे भी ज्यादा मात्रा में होता है तो हम उसकी रेट कैसे चला, एवरेज किस वो प्रोडक्ट्स जो है वो किस प्राइस में वहां भेजें। आपका आवाज बीच-बीच में कट रहा था लेकिन मुझे लगा कि आपने प्राइस के कंसर्न को क्वेश्चन पूछा है, यस, कि प्रोडक्ट को किस प्राइस में बेचा जाए। जैसे कोई हाँ जो ऐसे नहीं HSN कोड में चाइना ने वो प्रोडक्ट किस प्राइस में बेचा है वहां पे, और अपन कंपैरिजन के लिए देख सकते हैं उसको? नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये डायरेक्टली विजिबल कहीं पे भी नहीं होगा, तो आप इसका कंपैरिजन। Am I audible? I think clear. Yes, sir. Yes, sir. Yeah.
बिल्कुल आप कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि चाइना ने कौन से प्राइस में बेचा है ये कभी भी समझ में नहीं आएगा। तो उसके लिए सीधा चेक ये है कि आप अपना प्रोडक्ट मार्केट के अंदर जब रखते हैं तो उसके B2C के अंदर राइट ना भी प्रोडक्ट कितने में बिक रहा है आप उसको चेक करिए, उसके भी आप में आपका एक प्राइस तय करिए, वो प्राइस को आप वहां पे एक बार या यू आर इन आई थिंक यू आर इन नॉट इन द नेटवर्क मैडम। एक्चुअली मुझे लगता है कि बाकी के पार्टिसिपेंट बराबर सुन रहे हैं। यस हेलो मैम प्लीज आप पर्सनली कनेक्ट करेंगे प्लीज क्योंकि आप नेटवर्क में नहीं है तो आपको आवाज मेरी नहीं आ रही है। ओके अमित भाई अमित शाह यस सर यस प्लीज इट्स अ वंडरफुल सेशन थैंक यू सो मच माय प्लेजर। सर मेरी दो क्वेश्चन है व्हाट आर द स्कोप्स फॉर ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स बिकॉज माय ब्रदर हैज अ वेरी गुड फैक्ट्री फॉर ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग सो लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज बिकॉज वी हैव सीन 84 नंबर चैप्टर चाइना राइट नाउ 1100 करोड़ से ऊपर का एक्सपोर्ट कर रहा है जबकि इंडिया से तकरीबन 30 से 32 करोड़ का एक्सपोर्ट हो रहा है तो लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज जस्ट गो फॉर इट। ओके ओके और एक क्वेश्चन पूछूंगा सर दिस इज रिलेटेड टू मी व्हाट फॉर फार्मा मार्केट हाउ इट इज रेगुलेटेड एंड व्हाट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर फॉर फार्मा प्रोडक्ट्स रजिस्ट्रेशंस। प्लीज कनेक्ट विद द इंडियन एम्बेसी इन मोजाम्बिक एंड दे विल गाइड यू थरली बिकॉज इसके लिए उनका जो लोकल बॉडी होगा ना वो आपको ज्यादा अच्छे से वीकेंड से गाइड कर पाएगा। ओके ऑनलाइन मिल सकता है बिल्कुल मैंने आपको लिंक भी दिया ऑलरेडी पीपीटी प्लीज डाउनलोड करिएगा आप पीपीटी डाउनलोड करेंगे तो पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। यस ठीक है सर अच्छा विजया आर हेलो सर या मैम कैन यू हियर मी सर या ओके सर थैंक यू फॉर दिस ग्रेट सेशन सर एस्पेशली फॉर मोजाम्बिक आई वुड बी इंटरेस्टेड टू नो सर समथिंग रिलेटेड टू स्नैक्स एंड रेडीमेड फूड्स डू वी हैव मार्केट सर देयर। पहली बात तो ये मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि आप मेरे को ना ये मत पूछिए कि इनका मार्केट है कि नहीं। देखिए डेटा है आप मुझे बिल्कुल आप मुझे नहीं भी पूछेंगे तो भी आप चेक कर ही सकते हैं आप लिखिए अच्छा। मैं आपको लिखवाता हूँ लिखिए आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेटा बैंक आप जाइए गूगल में एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेटा बैंक लिखिए वहां पे जाके कंट्री वाइज इंडिया का एक्सपोर्ट क्या है ना उसका पूरा डेटा दिया है तो आप कुछ मत करिए अपना एचएस कोड ढूंढिए एचएस कोड को उसमें डालिए और चेक करिए व्हाट इज द पोटेंशियल इन योर प्रोडक्ट इट इज द टू मच सिंपल या अब आपने जो पूछा है उनके लिए मेरा जो पर्टिकुलर आंसर है मैं आपको देता हूं स्नैक्स एंड फूड प्रोडक्ट के लिए मोजाम्बिक विल बी द ग्रेट मार्केट इन फ्यूचर ग्रेट मार्केट आई एम टेलिंग यू बिकॉज मैक्सिमम रूरल पीपल आर राइट नाउ ट्रांसफरिंग और वी कैन से जो सिटी की ओर भाग रहे हैं तो ये सारे आपके वो कस्टमर है जो आपकी प्रोडक्ट को फ्यूचर के अंदर खरीदेंगे सो डेफिनेटली टाइम इनके लिए लगेगा मैंने पहले भी बोला कि ये रातों रात का काम नहीं है कि ओवरनाइट में आपका बिजनेस डेवलप हो जाएगा इट विल गोइंग टू टेक 1 year 2 year और 3 year बट अगर आप सस्टेन काम कर रहे हैं ना कोई कंट्री पे सस्टेन काम तो डेफिनेटली आप लिख के रखिए विद इन द 3 to 4 year यू विल फाइंड आउट योर ट्रेसेस एंड यू विल स्टार्ट योर बिजनेस अकॉर्डिंगली 100% ओके सर थैंक यू पीयूष पटेल यस प्लीज पीयूष भाई ओके नैतिक मकवाना यस सर हेलो या प्लीज सर योर सेशन इज वंडरफुल थैंक यू ओके सर मुझे जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट होती है प्लास्टिक की राइट तो उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उधर डालना है मोजाम्बिक में तो पॉसिबल है क्या बिल्कुल 100% पॉसिबल है लेकिन उसके लिए 2-3 चेक आप कर लीजिए पहला ये आपका अगर लोकल पार्टनर वहां पे मिलता है तो ये बेहतर रहेगा और सेकेंडली जब आप वहां पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रहे हैं तो उसके रॉ मटेरियल को खास फोकस करिएगा ऐसा ना हो कि रॉ मटेरियल लेने के लिए आपको चाइना जाना पड़े और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फिर वहां पे बने उससे तो बेहतर ये होगा कि आप इंडिया में बनाए उसको डायरेक्ट एक्सपोर्ट करें बट हाँ प्लास्टिक प्रोडक्ट का फ्यूचर बहुत ही बेहतरीन पैकेजिंग में
और हाउस होल्ड के प्रोडक्ट में. सो डेफिनेटली इट इज, वी कैन से इट इज द पोटेंशियल एरिया फॉर द इंडियन एक्सपोर्ट. अच्छा ओके. और सर वो मैं चेक इंटरनेट पे मुझे मिलेगा उसका सब चेक कर? बिल्कुल 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 डेफिनेटली. एक्सिम बैंक के थ्रू भी जाएंगे तो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा. या ओके सर. ओके थैंक यू वेरी मच. लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आज के सेशन का. मेघा पटेल प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. One second, I'm unmuting you. Hello. Yeah, please ask. Hello. हाँ मुझे ये पूछना था कि टी और कॉफी के लिए वहाँ पर मार्केट अच्छा होगा टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट. Definitely, tea and coffee are the basic commodities. These are the very basic commodities. तो वहाँ से इम्पोर्ट भी अच्छा है, यहाँ से एक्सपोर्ट भी अच्छा है. क्योंकि स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हो रहा है. तो अगर उसका डिटेल एचएस कोड आप देखेंगे तो डेफिनेटली यू विल गोइंग टू गेट द आइडिया अबाउट द टी एंड कॉफी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट. या ओके ओके. और यहाँ का अगर कोई लोकल प्रोडक्ट होगा अगर और वही नाम से अगर वी कैन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ओवर देयर आल्सो? डेफिनेटली डेफिनेटली, देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू चेंज द नेम एट ऑल. क्योंकि आपका जो लोकल प्रोडक्ट है उन्हीं को आप वहाँ पे मार्केट बना सकते हैं. अगर मान लीजिए कि आपका इम्पोर्टर बोलता है कि मुझे मेरे नाम से चाहिए तो मेरी लैंग्वेज में चाहिए तो ही आपको उसको चेंज करने की जरूरत है. अदरवाइज सिंपल. योगेश जी मैं आपका एक क्वेश्चन ले लेता हूँ लास्ट में, बट इसके बाद में क्वेश्चन नहीं ले पाऊंगा. आई एम सॉरी, यू कैन कनेक्ट मी पर्सनली प्लीज. या योगेश जी प्लीज, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ. वन सेकेंड, आई एम अनम्यूटिंग यू. योगेश जी आप अपने आप को, वन सेकेंड, आप अपने आप को अनम्यूट करिए प्लीज. योगेश जी यस सर, प्लीज नाउ यू कैन आस्क. यस सर, गुड इवनिंग सर, वेरी नाइस लेसन्स यू हैव टॉट अस. थैंक यू सर. वन सेकेंड, वन सेकेंड. यस प्लीज आपका माइक अनम्यूट करिए योगेश जी. Yes, sir. आप पूछिए. गुड इवनिंग सर, वेरी नाइस सेशन, इट वॉज वंडरफुल. सर मेरा प्रोडक्ट मैंने चूज किया है, आई थिंक आपके जो ये सेशन है और जो लेसन दे रहे हैं उसमें फर्स्ट वी हैव टू सोर्स, वी हैव टू फोकस ऑन कपल ऑफ प्रोडक्ट्स ओनली विच इज अवेलेबल इन प्लेंटी, दैट मीन्स विच सप्लाई शुड बी कॉन्स्टेंट, देन ओनली वी कैन एक्सपोर्ट. डेफिनेटली. Isn't it? Yeah, definitely. And in the initial stage, I have chosen two things only: roasted peanuts and jaggery. Yes. Jaggery cubes, particularly. So just as you have advised, ki I will have to go to import export import data bank, and there from there I will search the overseas buyers, sir. Yes, please shortcut kariye sir. Aapka question direct question pe aaiye. सर तो ये जो मेरा मैं चूज कर रहा हूँ दैट विल बी ओके, क्योंकि उसका मार्केट पता नहीं है सर. डेफिनेटली आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक का डेटा बैंक के थ्रू जब जाएंगे तो डेफिनेटली यू विल फाइंड आउट द डेटा फ्रॉम दैट, एंड डेटा से आप ये तय कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट में मुझे जाना चाहिए कि नहीं. सो जस्ट डोंट वरी, इट इज टू मच इजी, यू जस्ट कनेक्ट मी पर्सनली, आई विल गाइड यू फर्दर. प्लीज सर, थैंक यू वेरी मच, वेरी काइंड ऑफ यू सर. कुछ लोगों ने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पीपीटी कहाँ से डाउनलोड कर रहा है. आई एम रिपीटिंग इट, प्लीज फोकस ऑन इट. आप YouTube पे जाएंगे और वहां पे भारत उड़ान मिशन लिखेंगे ना तो हमारा चैनल आएगा. वो चैनल क्लिक करने के बाद आपको अंदर ये सेमिनार का पूरा ना लिंक मिलेगा. आप जब उसको क्लिक करेंगे तो उसके नीचे ही एक स्पीकर स्कोर करके लिंक दी हुई है जहां से आपको ये पीपीटी डाउनलोड करनी है. ठीक है, तो ये बहुत ईजी है, जस्ट गो टू द यूट्यूब एंड फ्रॉम दैट यू कैन डाउनलोड द पर्टिकुलर पीपीटी. थैंक यू सो मच एंड बाय बाय एवरीवन.